अस्सलाम वालेकुम एजुकेट पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 2 पे आप तमाम लोगों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ फिर से। तो करीबन आज का हम हमारा जो लेक्चर है इस पे हम क्या सीखेंगे, हम सबसे पहले लेक्चर में हमने सीखा था वेबसाइट हमने किस तरह बनानी है, किस तरह हमने ब्लॉगर क्रिएट करना है, उसके वेबसाइट का डोमेन किस तरह ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद हमने सीखा था किस तरह ब्लॉगर की सेटिंग करनी है। तो उसके बाद अभी हमारी जो मेन लेक्चर आ जाता है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए, तो इस पर आपने बड़ा फोकस करना है और इसको बड़े ध्यान से आपने देखना है। तो इसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह अपना कॉन्टैक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं वहीं से हम शुरू करेंगे जहाँ से हमने क्लास नंबर 1 ख़त्म की थी है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि आर्टिकल हम किस तरह अपने वेबसाइट के लिए लिखेंगे, मतलब कि अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल किस तरह लिखेंगे। अभी सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये है कि आर्टिकल अभी क्या चीज़ है, मतलब कि आर्टिकल अभी क्या चीज़ है। कुछ लोग सोचते हैं पाकिस्तान में अक्सर लोग समझ जाते हैं कि आर्टिकल और न्यूज़ एक ही चीज़ है, जो न्यूज़ होती है वो अलग है, आर्टिकल है वो अलग है। मतलब कि ये आर्टिकल आपको लॉन्ग टाइम पैसे देता है, तो इसीलिए ये लेक्चर आपने बड़े ध्यान से देखना है। तो इसमें ये आर्टिकल होता है ये लॉन्ग टाइम आपको इनकम देता है, मतलब जो न्यूज़ होती है वो एक दिन इनकम देती है, दो दिन इनकम देती है, 3 दिन इनकम देती है, 4 दिन इनकम देती है, उसके बाद खत्म हो जाता है। न्यूज़ का एक सीज़न होता है, क्योंकि जब तक लोग न्यूज़ सर्च करते हैं, लोग अभी देखें 2007 की तो न्यूज़ हम सर्च नहीं करेंगे, 2008 की तो न्यूज़ हम सर्च नहीं करेंगे, उस वक्त क्या हुआ था। लेकिन आर्टिकल है ये लॉन्ग टाइम लोग सर्च करते हैं, लॉन्ग टाइम ये आपको इनकम देता है, क्योंकि आर्टिकल न्यूज़ से काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं और ये आपको लॉन्ग टाइम इनकम देता है। तो सबसे पहला सवाल इसमें एक भाई ने सवाल मुझसे पूछा था कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल ये मसला है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ इंग्लिश उनको नहीं आती। तो उसके बावजूद उस भाई ने कहा था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो हम किस तरह बिना इंग्लिश के आर्टिकल लिख सकते हैं। तो इसी पे ये हमारी क्लास है, हम किस तरह बिना इंग्लिश के आर्टिकल लिख सकते हैं और कॉपीराइट आर्टिकल किस तरह किसी वेबसाइट का लेके उसको यूनिक करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले करीबन ये 2 अलग अलग क्लासें मैं लूँगा आर्टिकल पे, क्योंकि ये 2 अलग अलग क्लासें होगी और इस पर हम सीखेंगे, आज की जो क्लास होगी इस पर हम सीखेंगे कि हम किस तरह अपने आर्टिकल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आर्टिकल लिखने के 3 करीबन इकसाम है, आर्टिकल लिखने की 3 इकसाम है। तो ज़्यादातर पाकिस्तानी इन चीज़ों को ज़्यादातर नहीं समझते कि वो एक ही चीज़ समझ जाते हैं कि एक ही न्यूज़ वगैरह कोई आर्टिकल बना के अपलोड कर देते हैं। तो आर्टिकल लिखने की 3 इकसाम है, मैंने 2 का जिक्र किया, 1 का मैंने बाद में इंशाल्लाह उसकी क्लास हम लेंगे हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह आर्टिकल लिख सकते हैं, मतलब कि AI टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे हैं। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो उसके बावजूद आप आर्टिकल लिख सकते हैं और गूगल एडसन इस पर अप्रूवड आपको बड़ी आसानी से दे देगा, मतलब कि अगर आप खुद से आर्टिकल लिखेंगे तो अप्रूवड लेने में आपको मसला आएगा, तो इस पर आपको अप्रूवड बड़ी आसानी से लिखेंगे। तो इसके अलावा जो हमारी तकरीबन आर्टिकल की दूसरी एग्जाम है उसमें है कि किसी भी वेबसाइट का आर्टिकल को हम किस तरह यूनिक करके मतलब अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। इसमें हमें जो फ़ायदा होगा मतलब वो ये होगा कि वेबसाइट से पहले से करीबन उन्होंने SEO आर्टिकल की होगी, हमें फ्री SEO मिल जाएगी आर्टिकल की। तो इस पर इसके अलावा हम अपना AI टेक्नोलॉजी के जरिए आर्टिकल किस तरह लिख सकते हैं, तो सबसे पहले इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने ब्लॉग पे आ जाना है, मतलब कि अपने ब्लॉगर पे आ जाना है, इसे मैं डिलीट करता हूँ। तो ये देख सकते हैं ब्लॉगर बड़ा आसान से करीबन सिंपल सी करीबन इसका एक लुकिंग है। तो आपने पोस्ट पे क्लिक करना है, ये आपने पोस्ट पे क्लिक किया, आपने न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। तो ऐसे सब आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा, तो इसे मैं जूम कर देता हूँ है। तो इस तरह ब्लॉगर का पेज ओपन होगा जिस पर आपने आर्टिकल, सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है, उसके बाद आर्टिकल शुरू करना है। लेकिन हम AI टेक्नोलॉजी के करीबन AI टेक्नोलॉजी पे आर्टिकल लिखेंगे कि AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आर्टिकल लिखेंगे। इसमें 2 अलग अलग तरीकेकार है, एक है करीबन आप किस तरह AI टेक्नोलॉजी से आर्टिकल बना सकते हैं, दूसरा है कि आप करीबन किसी वेबसाइट का उठा के आर्टिकल लिख के अपलोड कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का आर्टिकल आप अपलोड करते हैं। तो सबसे पहला जो करीबन तरीका हम इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम कैसे आर्टिकल खुद लिख सकते हैं, मतलब AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो अगर आपको इंग्लिश आती या नहीं आती तो कोई इश्यू की बात नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हम आर्टिकल किस पे लिखना चाहते हैं, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए है जिस पे हम आर्टिकल लिखने चाहते हैं। तो मतलब हम इस पे ओपन कर लेंगे कीवर्ड प्लानर, तो इस तरह हमने कीवर्ड प्लानर ओपन कर लिया है। तो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको करीबन इसमें इशू आ रहा है तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो सबसे पहले आप किसी भी बड़ी आर्टिकल की वेबसाइट पे चले जाएं, मतलब जहाँ आर्टिकल अपलोड होते हैं किसी भी बड़ी वेबसाइट पे आपने चले जाना है। तो मिसाल के तौर पे ये एक वेबसाइट है, तो इस तरह की लाखों वेबसाइट आपकी नज़रों में भी होगी आर्टिकल, जैसे CNN भी आर्टिकल अपलोड करती है। तो आर्टिकल और न्यूज़ में बड़ा फ़र्क होता है, जो न्यूज़ होती है वो करीबन सिंपल सी होती है, किसी शख्स पर होती है, किसी वाक्य पर होती है, कोई हादसे पर होती है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। जो आर्टिकल होती है वो अलग, आर्टिकल किस तरह मतलब जैसे ये पूरी वेबसाइट आर्टिकल की है और ये लॉन्ग टर्म इसको कमा के दे रही है। तो सबसे पहले इस पर देख सकते हैं कितने
जितने ज़्यादा स्नैक की मैंने कैटेगरी बनाई हुई है जिन पर ये आर्टिकल अपलोड करता है वो ये आर्टिकल इसे लॉन्ग टाइम अप देती है इनकम है। तो ये वेबसाइट करीबन $70,000 से भी ज़्यादा कमा के दे रही है मालिक को है। तो इसका काम क्या है, करीबन 5 से 6 दिन बाद एक आर्टिकल अपलोड करना है। यूरोप की ये वेबसाइट है तो हम इसके आर्टिकल पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बिज़नेस पर चले जाते हैं, बिज़नेस की कैटेगरी पे, तो यहाँ से हम कोई भी आर्टिकल सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला मैं आर्टिकल सेलेक्ट करता हूँ, तो नहीं ये वाला आर्टिकल नहीं है, तो कोई बेस्ट आर्टिकल हम सेलेक्ट करते हैं, तो इस पर हम आगे चले जाते हैं। इस तरह सबसे पहले आपने देखना है आप किस पे आर्टिकल लिख रही है, मतलब कि आप किसी भी वेबसाइट का टाइटल ले सकते हैं। तो क्योंकि इसने SEO की होगी उसके बाद इसने अपलोड किया इस वेबसाइट के मालिक ने है, तो इस तरह आप कोई भी और भी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ फूड आर्टिकल, ये देखें अगर आप फूड के पे आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो ये देखें कितनी ज़्यादा वेबसाइटें आ जाएंगी। ये एक वेबसाइट है जो फूड पे आर्टिकल लिखती है, तो ये देख सकते हैं ये फूड पे आर्टिकल लिख रही है ये वेबसाइट है। तो अलग अलग चीज़ों पे ये आर्टिकल होता है जो लॉन्ग टाइम चलते हैं, तो जो न्यूज़ होती है वो एक ही बार चलती है, उसके बाद ज़्यादा नहीं चलती है। तो सबसे पहले हम किसी भी वेबसाइट का करीबन आर्टिकल लिखने से पहले मैं अलग अलग वेबसाइटें आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जो हमारी एक वेबसाइट हम ओपन करते हैं, AI टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे हैं, और देखेगा कि मैं किस तरह आपको करीबन आर्टिकल लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये एक वेबसाइट है, ये QOPY राइटर है। तो इस पर करीबन आपने VPN लगा लेना है, ये देखें VPN आपने कहाँ से लेना है, क्रोम ब्राउज़र पे काफ़ी फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम जाते हैं वेब स्टोर पे चला जाना है आपने, तो वेब स्टोर पे आपने जाके लिखना है VPN, तो VPN आपने लाजमी इस काम पे लगाना है। तो क्योंकि कुछ वेबसाइट है जो यूरोप में चलती है पाकिस्तान में नहीं चलती, वो यहाँ नहीं ओपन होगी। तो आपने ये ज़ैन VPN डाउनलोड कर लेना क्रोम पे, या आपको मैं रिमूव करके डाउनलोड करके फिर बता देता हूँ। तो एक मिनट देख लो, पहले मेरा ट्रैवल ना लगाओ। हाँ ठीक है, तो ये मैंने रिमूव किया इसको, मैं कहने के क्योंकि हम क्लास ले लिया, एक एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप भूल ना जाए। तो ऐसे आपने करीबन जाना है वेब स्टोर पे, यहाँ से कोई भी ये ज़ैन VPN है आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा है। तो जब आपने इसे डाउनलोड करना, ऐसे चेकिंग आएगा है, तो उसके बाद ये यहाँ खुद ब खुद आ जाएगा VPN है। तो ये देख नीचे हो रहा है, तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा है। तो हमारी जो पहली वेबसाइट है वो है ये है QOPY writer.ai है। इसके अलावा हमारी जो दूसरी वेबसाइट है वो भी हम ओपन कर लेते हैं। ये दो अलग अलग वेबसाइट है, ये दोनों अलग अलग काम करती है, मतलब कि ये दोनों एक ही चीज़ पे नहीं काम कर रही है, ये अलग अलग काम कर रही है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों वेबसाइट का मैं आपको इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये अभी ओपन नहीं वेबसाइट होगी क्योंकि ये पाकिस्तान में बैन है, तो इसलिए मैंने कहा आप VPN इस्तेमाल कीजिएगा है। ये देखिए मैंने VPN लगा दिया, अभी यहाँ से मैं कोई और स्टेट पे चला जाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं जर्मनी पे चला जाता हूँ, ये जर्मनी का VPN लगा, अभी ये देखिए वेबसाइट ओपन हो जाएगी क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान बैन की हुई है, यूरोप के ममालिक में ये वेबसाइट ओपन है। तो ये वेबसाइट करीबन जर्मनी में भी अभी बैन है, तो किसी और कंट्री में हम जाते हैं, अलग अलग इन कंट्रियों की ये वेबसाइट है, तो हम किसी और कंट्री पे चले जाते हैं। तो ये देखिए अमेरिका का मैंने VPN लगाया, तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है, तो जबकि ये पाकिस्तान में बैन है। तो इस वेबसाइट पे अभी लोग लॉकर पे खर्च करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो लॉकर पे इस वेबसाइट पे देती है, और मैं इस पे करीबन आपने पैसे नहीं लगाने, मैं आपको वो तरीकाकार बताऊँगा बिना पैसों के किस तरह इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे हैं, तो इसके लिए आपने यहाँ जाके लिखना है फेक ईमेल, ये देखें फेक ईमेल जनरेटर, तो फेक ईमेल जनरेट आप लिख सकते हैं, ये देखें आपने लिखना है फेक ईमेल जनरेट। तो इसके अलावा आप फेक हटा के ईमेल जनरेटर भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगी करीबन generator.email है, ये एक वेबसाइट है जो आपने ओपन कर लेनी है। तो इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना, यहाँ से आप कोई भी करीबन ईमेल ले सकते हैं, करीबन ये आपको जल्दी ईमेल देती है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, ऐसे मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया जुनेद चौधरी, अगर मैंने 786 लगा के ये ईमेल मैंने कॉपी किया, बस ये देखें ईमेल मेरा बन गया है, क्योंकि हमने फेक ईमेल का इस्तेमाल करना है। इसमें आपने ऑफिशियल ईमेल कभी भी इन वेबसाइटों पे नहीं लगाना है, दोनों वेबसाइटों पे हैं। तो जो सबसे पहली वेबसाइट है हम इसका इस्तेमाल करेंगे, देखें कि कितनी जल्दी मैं इस पर आर्टिकल बनाऊँगा अपना AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए है। तो सबसे पहले आपने गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक कर देना है, या वो आपसे ईमेल मांगेगा है।
तो आपने यहाँ ईमेल ऐसे लगाना है, उसके बाद वो कहेगा कि आपको पासवर्ड है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी एक पासवर्ड सेलेक्ट बना लेता हूँ क्योंकि बार बार ये मैंने एक पासवर्ड बना लिया। तो अभी मैं इस पे ऐसे करीबन इस वेबसाइट पे ये पासवर्ड अपना लगा देता हूँ, 57 54। एग्री पे क्लिक करके आपने रजिस्टर कर लेना इस वेबसाइट को। तो ये देखें, वो कह रहा है कि आपके एक हमने ईमेल पे कंफर्म मैसेज भेज दिया। तो यहाँ से करीब कुछ ईमेल इनके नहीं लगते, मतलब कि अगर आपका कोई ईमेल यहाँ आ जाए कि आपको मैसेज आ जाए कि ये ईमेल नहीं लगता, तो आपने यहाँ से ऐसे कोई ईमेल दूसरा चेंज कर लेना यहाँ से है। तो ये देखें, मुझे मैसेज आ गया ये ईमेल वर्क करता है। तो यहाँ से मैंने इसको एक्टिव कर लिया है, तो ये एक्टिव हो गया आपका अकाउंट। तो अभी देखेगा कि मैं किस तरह आर्टिकल लिखता हूँ। तो सबसे पहले एक्टिव हो गया, मैं होम पेज पे चला जाता हूँ। अगर आपको एक एक चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे लाजमी पूछिए हैं, क्योंकि ऐसे आपको समझने में आसानी होगी। ये मेरा ईमेल इन्होंने पहले ही ओपन किया। तो इन्होंने मुझे 2 क्रेडिट दिए, अभी पहले 5 क्रेडिट देते थे लेकिन अभी इन्होंने 2 क्रेडिट कर दिया। 2 आर्टिकल मतलब मैं लिख सकता हूँ है। तो यहाँ से फेक ईमेल से ये है कि आप हज़ारों ईमेल बना सकते हैं। जैसे ये है कि मैंने 786 लिखा है, अभी मैंने यहाँ कर दिया, मिनट की गेम है। तो यहाँ मैंने कर दिया 787 है। तो अभी ये देखें, मुझे एक और ईमेल है, यहाँ से लाखों ईमेल आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ये एक और ईमेल आ गया है। तो बैक ईमेल अपना पुराना लेना चाहते हैं, फिर आपने 786 क्लिक करना है, कॉपी के क्लिक करना, ये पुराना ईमेल दोबारा वो दे देंगे हैं। तो इस तरह, तो अभी इन्होंने 2 क्रेडिट हमें दिए हैं इस वेबसाइट में, अभी हमने जनरेट पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले वो कहेगा कि टाइटल आप दे। तो अभी देखें कि हम कॉपी राइट कर रहे हैं, ऐसे आपने किसी भी वेबसाइट ओपन कर लेनी है, कोई भी वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर यहाँ से हम कोई भी ये देखें, तो हम इस आर्टिकल को ले लेते हैं मिसाल के तौर पर। इस आर्टिकल ये देखें टॉप 5 सम, ये इस आर्टिकल को हम ले लेते हैं, 5 स्मार्ट वे प्रोटेक्ट योर बिजनेस। तो इस आर्टिकल को हमने यहाँ अपलोड किया। करीबन इसके टाइटल को आपने किसी भी वेबसाइट, बड़ी वेबसाइट को आपने टारगेट करना है, तो लाखों वेबसाइट आर्टिकल की मिल जाएगी। फूड की वेबसाइट है, आपने फूड आर्टिकल लिखने हैं, तो कोई भी एक बड़ी वेबसाइट उठा लेनी है। तो इस तरह आपने करीबन टेक्नोलॉजी की आर्टिकल लिखनी है, टेक्नोलॉजी लिखना है, तो इस तरह कोई भी गूगल पर आप बड़ी वेबसाइट उठा ले हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। तो आपने टाइटल यहाँ देना है। तो करीबन फिलहाल हम दूसरी वेबसाइट को क्रॉस कर देते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, VPN को क्रॉस कर देते हैं, इन दोनों को रहने देते हैं। तो ये इसका, ये फूड की वेबसाइट है, यहाँ से देख सकते हैं कितने ज़्यादा आपको आर्टिकल मिल जाएंगे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये रेसिपी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। तो अलग अलग आप वेबसाइट और बड़ी वेबसाइट को आप टारगेट कर सकती है। तो हमने करीबन ये एक आर्टिकल ले लिया। तो अभी इस पर वो कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन मुझे बताए हैं। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन पर करीबन यहाँ से करीबन ज़्यादा नहीं, आपने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कॉपी करना है, ये वाला इतना सा, थोड़ा सा आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी करना है, ज़्यादा नहीं आपने कॉपी करना। तो या फिर आप करीबन बिजनेस टैग वगैरह से दे सकते हैं यहाँ है। तो इस पर करीबन हमने ये देखें ब्लॉग पोस्ट पे हमने क्लिक करके, ये पूछ रहा है कि किस तरह आपका आर्टिकल न्यूज़ आर्टिकल हो, न्यूज़ किस तरह हो, आपने इस पर कभी नहीं क्लिक करना, आपने क्लिक करना है ब्लॉग पोस्ट है, इस पर आर्टिकल हो, ये क्रिएट पर आपने क्लिक करना है। देख सकते हैं कितना सिंपल सा तरीकाकार है। तो अभी ये जनरेट हो रहा है हमारा आर्टिकल, तो अभी ये जनरेट होकर हमें दे देगा। ये आर्टिकल 100% हमारा रियल होगा आर्टिकल है, किसी भी वेबसाइट का कॉपीराइट नहीं होगा। तो इसके अलावा आपने फिर यहाँ चले जाना है गूगल पे, आपने लिखना है कि चेक वीडियो देख के आप साथ साथ एक बार करेंगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी है, चेक आर्टिकल। एक और वेबसाइट पे आप जाना है चेक आर्टिकल, तो इस वेबसाइट पे आपने चला जाना है। तो यहाँ से काफी ज्यादा वेबसाइट मिलेंगी, तो कॉपीराइट आपने लिख देना है, ये देखिए आपने इस तरह गूगल पे लिखना चेक आर्टिकल कॉपीराइट। तो यहाँ से जो भी आर्टिकल आप बनाए उसे लाजमी चेक करें। ये देखिए हमारा आर्टिकल अभी बन रहा है, करीबन 1 से 2 मिनट में हमारा आर्टिकल रेडी हो जाएगा। तो ये AI टेक्नोलॉजी के जरिए आर्टिकल हमारा लिख रहा है खुद, सिर्फ हमने इसे टाइटल लिया, टाइटल भी कहाँ से उठाया, किसी करीबन बड़ी वेबसाइट से हमने उठा लिया टाइटल, इस वेबसाइट से है। तो इस वेबसाइट से टाइटल हमने उठा के यहाँ दिया, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, अभी ये हमें पूरा करीबन आर्टिकल लिख के देगा। ये देखिए 5 इसने अलग अलग लिखे हुए हैं, तो हमें भी ये आर्टिकल लिख के देगा, लेकिन हमारा जो आर्टिकल होगा बड़ा जटिल लिख के देगा है। तो यहाँ हमने देख लेते हैं ईमेल, आपको मैं अलग अलग तरीके का पे समझाऊँगा है, तो आपने टेंशन नहीं करनी। जो करीबन हाँ ये देखें डुप्लीकेट चेकर पे आपने चला जाना है, तो डुप्ली चेकर पे आपने चला जाना है। तो यार ये देखें इसी वेबसाइट पे आपने जाना है, तो ये आपने वेबसाइट याद रखनी है डुप्ली चेकर। तो मैं आपको दिखा देता, नहीं जूम नहीं लिंक हो रहा इसका,
तो गूगल पे आपने लिंक्डइन आर्टिकल चेक कर है, तो ये देखें, या वो कह रहा है कि आप अपना आर्टिकल अपलोड करके चेक कर सकते हैं ये आपका रियल आर्टिकल है या किसी वेबसाइट का है। तो इस पे ये देखें हमारा आर्टिकल, ये देखें हमारा आर्टिकल इसने जनरेट कर दिया है। तो यहाँ से आपने इसे करीबन इस पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है, आपने इस पेंसिल के निशान पे जब आपने क्लिक करना है तो ये देखें ये हमारा आर्टिकल पूरा मुकम्मल रेडी है। तो ये देखें इसने मुकम्मल लिखा है हमारा आर्टिकल, 5 अलग अलग इसने तरीके लिखे हैं टाइटल के साथ। अभी यहाँ से आपने करीबन ये इस चीज़ को, इस लाइन को आपने हटा देने हैं। तो करीबन यहाँ से ये इसका हो गया इंट्रो है, इसने बड़ा जदीद आर्टिकल लिख के दिया है। तो ये देखें ये आर्टिकल मैंने कॉपी किया है, तो यहाँ जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। आर्टिकल लिखने का मैं मुकम्मल आपको तरीका बताऊँगा, ये मैंने पेस्ट कर दिया अच्छे कहाँ पे है। तो ये अपने अभी हमने इसका टाइटल भी कॉपी कर लेते हैं। अभी इसके टाइटल को हमने किस तरह चेंज करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये देखिए सबसे पहले आपने यहाँ के टाइटल को अपलोड करना है, आपने वही टाइटल नहीं अपलोड करना जो करीबन इस वेबसाइट ने दिया हुआ है। कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि यही टाइटल उठा के आपने पेस्ट कर दिया है। तो ये तो फिलहाल मैं वैसे ही बता रहा हूँ, करीब अपने आपने यहाँ टाइटल अपलोड करना है। थोड़ा सा आगे वीडियो के मैं आपको बताऊँगा कि अपने टाइटल किस तरह ये चेंज करना है। तो AI टेक्नोलॉजी के जरिए तमाम चीज़ें मैं बताऊँगा, इस ब्राउज़र को मैं ऑफ कर देता हूँ। तो अभी ये देखें ये मैंने टाइटल अपलोड पेस्ट किया है, तो अभी हम चले जाते हैं आर्टिकल पे। तो ये देखें यहाँ से इसने आपने इतना इतना कॉपी करने हैं। तो सबसे पहले इस आर्टिकल को हम चेक करते हैं कि ये आर्टिकल 100% इसने रियल लिख के दिया या कहीं से उठा के तो नहीं, इस वेबसाइट ने दिया है तो इस पर कॉपी क्लिक किया है, ये आपने भी चेक कर लेना है। तो यहाँ ये बोलेगा कि ये यहाँ आपने पेस्ट करने हैं, कोई भी जो भी आर्टिकल आप लिखें या पेस्ट करें। तो उसके बाद करीब ये काफ़ी बड़ी वेबसाइट हो गई है, तो यहाँ ये चेक पे आपने क्लिक कर देना है ये बोर्ड के बाद। अभी देखें ये जो वेबसाइट है ये कि ये भी एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमा रही है, अभी इसने ये एक फंक्शन लगा दिया है। तो अभी देखें नीचे गूगल का ऐड, ऊपर गूगल का ऐड, काफ़ी ज़्यादा गूगल के ऐड ये दिखा रही है, तो ये भी गूगल से पैसे कमा रही है। तो ये देखें हमने इस पे चेक पे क्लिक करते हैं, तो अभी इसे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल गए हैं। देखिए कितनी बार इसने ये ऑप्शन दिखाया है, तो एक ही बार आप चेक कर लीजिएगा 100%। वैसे तो ये 100% रियल ही देता, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा सर्च करके आपको चेक करके ये आर्टिकल अभी दिखा रहा है, वो कह रहा है कि आपने कैप्चा फिल नहीं किया जबकि हमने फिल किया है, क्योंकि इस वेबसाइट ने ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिखाने, हर बंदा अभी गूगल एड्स से कमा रहा है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए, देखिए गूगल का ऐड, ये देखिए गूगल का, तो इस वेबसाइट ने देखे कितना नाटक किया हुआ, मतलब कि कितनी बार ये हमें गूगल के ऐड कर दिया, अभी ये कि ये चेक पे आ ही नहीं रहा है। तो इसी वेबसाइट को करीबन अभी चलें आगे, अभी ये स्कैनिंग हो रहा है। तो ये यहाँ दिखाने का मकसद ये था कि ये आर्टिकल आपको मैं दिखाना चाहता था, ये 100% रियल आर्टिकल, देखे 10% ये यूनिक आर्टिकल है। जब तक ये करीबन हमारा करीबन 80 करीबन जो भी आर्टिकल आपने अपलोड करना है वेबसाइट से, कोशिश करनी है वो अपलोड करना है अपने आर्टिकल जो आपका करीबन 90% यूनिक होना चाहिए है, उस पर कोई भी करीबन ये कॉपीराइट नहीं होना चाहिए है। तो देखिए अभी इसने बता दिया 21% आपका आर्टिकल यूनिक है, किसी भी वेबसाइट का नहीं आर्टिकल, ये आप ही का आर्टिकल है। देखिए AI टेक्नोलॉजी का मैंने इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में अपना एक आर्टिकल क्रिएट कर लिया है। तो अभी देखिए ये 31% तब तक हम यहाँ आर्टिकल अपलोड करते हैं। तो हमने ये टाइटल अपलोड किया है, तो उसके बाद हमने करीबन एक एक करके ये सारे आर्टिकल आपने कॉपी कर लेने हैं। यहाँ से आपने कॉपी किया तमाम आर्टिकल, तो जाके आपने वेबसाइट पे ऐसे पेस्ट कर देने हैं। वेबसाइट पे पेस्ट करके आपने डायरेक्ट अपलोड नहीं करना, तो सबसे पहले आपने देखें यहाँ स्पेस आपने ऐसे लगानी है, हर करीबन हर जो पॉइंट होगा वहाँ आपने स्पेस देनी है, ऐसे ऊपर भी स्पेस नीचे भी स्पेस है, जो इसका ये देखिए दूसरा पॉइंट है इस पर भी आपने ऐसे स्पेस देनी है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है आर्टिकल अपलोड करने से पहले। अभी ये देखिए ये तीसरा पॉइंट आ गया, तो यहाँ भी हमने स्पेस दी है, ये आर्टिकल लिखने के बेस्ट जरिया। इसके अलावा भी मैं आपको ज़रिया बताऊंगा AI टेक्नोलॉजी से किस तरह आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया, तो देखिए इस पे भी हमने स्पेस दी, देखिए हमारा किस तरह आर्टिकल इसने रेडी करके दिया है। तो यहाँ से देख सकते हैं, देखिए 92% हमारा यूनिक आर्टिकल है, मतलब एक भी आर्टिकल का अल्फाज ऐसा नहीं जो किसी और वेबसाइट के साथ मिल रहा हो, 100% यूनिक, यहाँ कम से कम 90% से ज़्यादा होने चाहिए, फिर जाके आपको खरीदना आर्टिकल आपका वेबसाइट पर गूगल एडसन उस पर एड आपको अच्छे खासे। अभी जो इस आर्टिकल पर गूगल हमें इतने ज़्यादा पैसे देगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये 100% यूनिक आर्टिकल गूगल के मुताबिक इस पर 900 से ज़्यादा अल्फाज हैं और 100% यूनिक आर्टिकल है। देखिए किस तरह लोग आर्टिकल लिखते हैं, तो इसका भी देखें हमने करीबन इसे ब्लॉगर पे अपलोड कर दिया है। तो ये देखें है,
तो अभी आपने स्पेस देने के बाद आपने अभी नहीं अपलोड करना, इसके बाद भी आपने अपलोड नहीं करना आर्टिकल। तो आपने सबसे पहले पता क्या करना, जितने भी पॉइंट हैं इनको आपने यहाँ से ऐसे किया है, ये देख सकते हैं कि मैं माउस पे ऐसे क्लिक करके ऐसे सभी को सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पैराग्राफ होगा, इस पर आपने क्लिक करना है, पैराग्राफ के बाद हाइडिंग पे क्लिक करना, ये देख सकते हैं ये मैंने हाइडिंग पे क्लिक किया, ये गाढ़ा हो गया है। तो इस तरह आपने सारे पॉइंट को गाढ़ा कर देना हाइडिंग पे क्लिक करके। और कोशिश कीजिएगा कि ऐसे मिसाल के तौर पर एक और चीज़ में बता रहा, हाइडिंग पे क्लिक करने के बाद कोशिश कीजिएगा इसका साइज़ में भी थोड़ा सा इजाफा कर दे, ज़्यादा नहीं नॉर्मल से मीडियम कर दे हैं। तो ये मैंने मीडियम से आगे भी आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ ये गया, लार्क मैं साइन कर देता हूँ, तो चले ठीक है मैं और बड़ा कर देता हूँ। आपने कोशिश करना कि ये तमाम करीबन जितने भी होगा है इसमें आपने हाइडिंग पे जाना है, उसके बाद इसका साइज़ लार्ज कर दीजिए है अपनी मर्जी से, लेकिन थोड़ा सा साइज़ आपने बड़ा कर देना है, जो भी जितना भी आपको साइज़ पसंद आए। करीबन मीडियम भी रख सकते हैं, इतना साइज़ भी आप रख सकते हैं, तो ज़्यादा भी ये पैराग्राफ से हाइडिंग पे गया तो मीडियम भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा रखूँगा साइज़। तो इस तरह आपने साइज़ आर्टिकल का बड़ा करना है, ये आर्टिकल लिखने की आपकी निशानियाँ हैं, आर्टिकल आपका ज़बरदस्त नज़र आना चाहिए। देखिए 100% यूनिक तो आर्टिकल आपको मिल गया, लेकिन आपने अभी इसको बेस्ट तरीके से अपलोड करना है। तो ये इसका साइज़ भी हम थोड़ा बड़ा करते हैं, तो ये इस पर हाइडिंग, तो इस तरह ये पैराग्राफ पे पहले आपने क्लिक करना है, इसे हाइडिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद ये इस पे क्लिक करके मीडियम की जगह लार्ज कर दें। आप भी ये देखें हमारा तमाम आर्टिकल रेडी हो गया, बिल्कुल 100% हमारा आर्टिकल रेडी हो गया। अभी भी हमने अपलोड नहीं करना है, यहाँ से आपने पब्लिश अभी भी नहीं करना। तो अभी किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, एक इमेज की हमें ज़रूरत है। तो इमेज हमें लेने के लिए हम करीबन इमेज आपने कहाँ से लेनी है, सबसे पहले मैंने आपको बताता हूँ इमेज आपने कहाँ से लेनी है। तो इमेज के लिए आपने इस वेबसाइट का नहीं, आप गूगल से इमेज ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखें बिजनेस पे ये आर्टिकल आपने बिजनेस पे कॉपी करना है। तो यहाँ से हम कोई भी मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, बिजनेस हमने यहाँ पेस्ट किया है, तो देख सकते हैं कि यहाँ से हमने कोई भी इमेज एक सिलेक्ट करनी है। और इमेज कैसे आपने अपलोड करनी है, ये तरीका कार आपने याद रखना है, मतलब आपने डायरेक्ट नहीं इमेज अपलोड कर देनी है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा बिजनेस की इमेज आ गई है अपने आर्टिकल के, अगर आपका फूड का आर्टिकल है आपने फूड लफ्ज कापी करके पेस्ट कर देना, इमेज आपने सिर्फ लेनी है। यहाँ से आप कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लें, मतलब कि ये देखें ये मुझे अच्छी लगी है, तो इस तरह क्योंकि ये बिज़नेस का आर्टिकल है तो इस पर हम ये वाली इमेज लगा सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त इमेज है ये वाली भी है। तो अलग अलग यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा है। तो मैं करीबन ये वाली सिलेक्ट करता हूँ जो पहले मैंने बताई है। तो कोशिश कीजिएगा कि इमेज का साइज भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह इमेज का साइज आपका होना चाहिए है। तो ये वाली नहीं, मैं अभी ये वाली इमेज आपकी करीबन ये इस आर्टिकल के लिए नहीं है सूट करेगी। तो यहाँ से आप बिजनेस की इमेज देख के सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। तो ये एचडी नहीं, ये गूगल मेरा बड़ा क्यों है, हाँ ये वो एचडी। तो ये वाली इमेज मिसाल के तौर पर मुझे अच्छी लगी है क्योंकि आर्टिकल के मुकाबले में बिल्कुल ये इमेज बेस्ट है। तो इस इमेज को आपने ऐसे कॉपी, इस इमेज को ऐसे आपने सेव कर लेने हैं। तो जब ये इमेज सेव हो जाएगी उसके बाद आपने देखिएगा कि आपने क्या करना है, आपने इमेज को सेव किया है तो फिर से कहाँ सेव होगी, डेस्कटॉप पे मैंने जाके इस इमेज को मैंने सेव कर लिया। तो ये देखें ये इमेज सेव होगी है मेरी, हाँ ये इमेज सेव होगी। अभी आपने पता क्या करना है, आपने अभी आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से गूगल एडसन उनको अप्रूवल कभी नहीं देता, वो गलती है आपने कभी नहीं करनी है, आपने इमेज को डायरेक्ट ऐसे जाके अपलोड नहीं करना। ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपने ऐसे जाके इमेज को डायरेक्ट यहाँ से अपलोड नहीं करना क्योंकि ये कॉपीराइट इमेज है, मतलब ये वो वाली इमेज नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि आप ऐसे अपलोड कर दें कि गूगल आर्टिकल तो आपका यूनिक होगा लेकिन इमेज आपकी कॉपीराइट होगी, और गूगल कॉपीराइट करीबन वेबसाइट को पसंद नहीं करता, इसलिए वो डायरेक्ट आपको रिजेक्ट कर देगा है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इमेज को भी आपने एडिटिंग करना है, एडिटिंग किस तरह करना है, मैंने ऑलरेडी 2 से 3 एडिटिंग की हो गई क्योंकि ये कंप्यूटर पर मैं मोबाइल पर करता हूँ। तो मोबाइल पर आपने पिक्सल ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखें मैंने किस तरह एडिटिंग की हुई है इमेज है। तो इसके अलावा मैं फिर आपको दिखाता हूँ इस तरह, आपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट का एक लोगो बना लेना सिंपल सा है, तो जैसे डेली स्टार पाकिस्तान है इसका मैंने टी लिखा है DSP है। तो उसके बाद एक आपने इस तरह लीक बना लिया पिक्सल ऐप पे, ये फायदा होगा कि आप एक ही बार सेव कर सकते हैं प्रोजेक्ट। तो अगर आप कहते हैं कि उस पर भी मैं वीडियो बना दूँ तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्सल लैब एप्लीकेशन कौन सी है जहाँ सब चीज़ें बन जाती हैं। तो इसके अलावा आप अपने सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको इमेज बनाना चाहिए, बस आपने इस तरह इमेज बनानी है।
तो ये देखें पिक्सल लैब मैंने ओपन कर लिया है, ये आपकी एप्लीकेशन है, मतलब कि ये देखें यहाँ से तकरीबन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा पिक्सल ऐप को है। इस पे इमेज बनाना आपको इस तरह इमेज बनाना आसान होगा है और मिनटों में बन जाएगी। सबसे पहले आपने इमेज लेनी है, उसके बाद आपने ऊपर टाइटल लिखना है, जो यहाँ लिखा हुआ मोटिवेशन बॉडी, ये किसी और आर्टिकल का मैंने बनाया था है। तो अभी इस पर आपने ऐसे इस टाइटल को लिख देना है, तो ये जो सा टाइटल है आपने ये टाइटल यहाँ लिख देना है, मतलब कि तस्वीर पे। तो नीचे आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है या अपनी वेबसाइट का लोगो लगा देना है, कोई भी आप बना ले लोगो वेबसाइट का, एक लाजमी लोगो आपने वेबसाइट का बनाना है, तो वो लोगो लगा के यहाँ ऐसे बिल्कुल करके यहाँ आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है यहाँ। तो मोबाइल पर काफ़ी ज़्यादा आपको अप्लीकेशन मिल जाएगी जहाँ आप पिक्चर को एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कंप्यूटर पर करना चाहते हैं तो कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एडोब फोटोशॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कानवा। तो आपने ऐसा करना है कि पिक्चर को एडिटिंग लाजमी करना है, उस पर कोई भी आपने निशानी नहीं छोड़नी जिससे करीबन आपकी वेबसाइट पे इशू आए। तो जब आप अपलोड करेंगे आप मुझे लाजमी कोई भी एक आर्टिकल सेंड कीजिएगा, तो मैं उस पर पिक्चर्स देख के आपको बता दूंगा कि ये आर्टिकल आपने किस तरह सही लिखा या गलत लिखा है। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, मतलब कि जो पिक्चर है वो आपने डायरेक्ट अपलोड नहीं करनी, मतलब आपने ऐसे नहीं कर डाउनलोड की यहाँ से इसे डायरेक्ट अपलोड कर दिया जाके आर्टिकल के ऊपर। या आप कुछ भी कर सकते हैं, अलग अपने अंदाज से भी पिक्चर बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने पिक्चर दिखाई अपनी बना के उसी तरह आप बनाएं। या आप ऐसे मिसाल के तौर पर या आप करीबन ये टी या आप लोगो अपना डाल सकते हैं, या आप ऊपर लिख सकते हैं, या आप ऐसे एक लिंक डाल के या आप टाइटल लिख सकते हैं नीचे अपना लोगो, ताकि ये पिक्चर आपकी लगनी चाहिए, जो पीछे का बैकग्राउंड है जो थोड़ा थोड़ा मध्यम नज़र आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने ऐसे किए, मैं ये देखे पीछे का जो करीबन वॉलपेपर है वो गूगल की पिक्चर है, उस पर मध्यम नज़र आ रहा है, ऊपर हम अपना टाइटल लिख दिया, पीछे थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया, तो इस तरह अपने पिक्चर में। तो ये कैनवा पे भी आप जा सकते हैं, मोबाइल पे काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर है, वहाँ से जल्दी बन जाती है। तो अलग अलग आप तरीक़ों से बना सकते हैं। अगर आपको नहीं ये बनाना आती इस तरह इमेज है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उस पर मोबाइल पर भी एक छोटी सी वीडियो इस पर बना दूँगा है। तो एक मिनट में ये बन जाती है पिक्सल लैब से है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारी जो अगली चीज़ है, मतलब कि जब पिक्चर बन जाएगी तो आपने यहाँ जाके ऐसे पिक्चर अपलोड कर देनी है। ये देखें हमारा एक आर्टिकल कितनी जल्दी एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए विदाउट इंग्लिश के मैंने किस तरह लिखा है और इसे अपलोड कर रहा हूँ है। तो सबसे पहले करीबन हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पे हैं, तो यहाँ से मैंने ये देखे ये पिक्चर बनी हुई अपलोड कर रहा हूँ है आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये इसका टाइटल हो रहा है। इस तरह आपने अपना टाइटल लिख देना जो भी आर्टिकल के, तो इस पिक्चर को अपलोड आपने कर देना है। तो इतना सिंपल सा तरीका कार है, आप देखें कि कितनी जल्दी मैंने आर्टिकल लिखा है उसे अपलोड किया है। तो बस ये देखें इतनी सी बस गेम से ये आर्टिकल लाइफ टाइम हमें पैसे देगा, मतलब कि क्योंकि इस पर एसईओ पहले से किसी वेबसाइट ने किया। आप कोशिश करें कि किसी वेबसाइट को ऐसे को टारगेट करें, ऐसी हज़ारों वेबसाइट इंटरनेट पर मिल जाएगी है जिस जो आर्टिकल अपलोड करती है, आप उन तमाम वेबसाइट को कॉपी करें हैं, करीबन तमाम वेबसाइट पे जाएं, उनके टाइटल को कॉपी करके इसके ज़रिए आप आर्टिकल लिखें। अभी हमारा एक क्रेडिट बच गया, यहाँ जब एक क्रेडिट आएगा एक और आर्टिकल ये लिखेगा, दो आर्टिकल के बाद जीरो होगा, ये कहेगा कि बाय अप ग्राफ करें हैं। तो लोग अप ग्राफ करते हैं, आपने अप ग्राफ नहीं करना, आपने इस अकाउंट को ऐसे लॉकआउट करना है। तो फेक ईमेल पे जाना है, यहाँ से बस एक ही चेंज करें, 786 की जगह आपने 789 लिख दिया, 780 लिख देता हूँ। ये देखें एक और ईमेल आपको मिल गया, फिर जाके आप यहाँ से साइन अप कर लिए हैं। देखें जब फिर आप साइन अप करेंगे आपको फिर से देखें दो क्रेडिट मिल जाएंगे हैं। ऐसे आप हज़ारों क्रेडिट एक एक घंटे में ले सकते हैं। तो गूगल के अब गूगल के लिए ये देखें अपलोड गूगल एडसन अप्रूवड के लिए हमारी वेबसाइट को कितने आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कम से कम 1000 अल्फाज के आर्टिकल हैं तो हमें 25 आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी है। तो इसको करीबन ये देखें इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, तो कम से कम हमें करीबन 25 से 30 आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके करीबन 300 अल्फाज के आर्टिकल है, करीबन 500 से नीचे भी ये जो सा आर्टिकल है देखें ये 900 करीबन 85 अल्फाज पे, मतलब ऐसे हमें कम से कम 25 से 30 आर्टिकल की ज़रूरत है कि गूगल एडसन हमें अप्रूवल देगा। और इसके बाद आपकी जो तमाम मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ये चीज़ याद रखनी है, पिक्चर पे आपने लाजमी ऐसे को पिक्चर एडिटिंग काबिल नहीं है। तो इसके बाद हम नीचे आते हैं, मिसाल के तौर पर अभी नीचे आए, अभी ये देखे हैं ये हमारे पॉइंट लिखे हुआ, आप इस तरह आर्टिकल को अपलोड कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप इसमें दो चार और इमेज लगा देते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ इमेज आप लगा देते हैं, तो इससे ये होगा कि आर्टिकल आपका बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा और गूगल को ये आर्टिकल काफ़ी पसंद आते हैं, लोगों को भी ये आर्टिकल पसंद आते हैं और ट्रैफिक इस पर काफ़ी ज़्यादा आता है, खुद ब खुद आपको ट्रैफिक अच्छा खासा गूगल से मिल जाएगा है। तो अभी ये देखें मिसाल के तौर पर अभी आप सोचेंगे कि यार एक तो हम पिक्चर बनाएंगे तो उसके बाद फिर से हम
में पिक्चर बनानी, नहीं अभी आपने क्या करना है, पहली पिक्चर आपके एडिटिंग की होनी चाहिए, पहली लाजमी है एडिटिंग की, जो अगर आप अपलोड करते हैं ना ठीक है, अगर आप नहीं अपलोड करना चाहते आप पब्लिश कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। तो इसके लिए आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करना है, तो इस वेबसाइट का मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे आपको पिक्चर एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये पहली इमेज है वो आपने लाजमी एडिटिंग करनी है, जो पहली इमेज है इसको आपने इस तरह लाजमी बना लेना है, जो आपकी बाकी की इमेज होगी उस पे आप थोड़ी सी गेम खेल सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, अभी मैंने ये वेबसाइट ओपन किया, वेबसाइट का नाम आप याद कर लीजिएगा है पिक्साबे, इस वेबसाइट का नाम है पिक्साबे, पता नहीं क्या रखा हुआ है इसने, तो इस वेबसाइट को आप देख लीजिए है। तो अभी आपने करीबन ये देखिए विंडो लिखा हुआ है, इसको मैंने विंडो को कॉपी किया यहाँ से, इस वेबसाइट पे जाके यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया ऐसी विंडो, या कॉपीराइट फ्री आपको इमेज मिल जाएंगी है। इस वेबसाइट का दावा है कि यहाँ से कोई भी इमेज अगर आप लेते हैं तो वो आपको कॉपीराइट फ्री मिलेगी है। तो यहाँ विंडो की इमेज आने वाली है, ये देखिएगा अभी ये देखिए विंडो आ गई है। तो अभी ये कौन से ठीक है वर्कशॉप विंडो है, तो ये देखिए विंडो के आ गई पिक्चर, इस तरह आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, इसको फ्री डाउनलोड किया आपने है यहाँ से देखे इसको, ये देखे ये अभी पिक्चर डाउनलोड हो गई है, इसके बाद का ऑप्शन देखें लाजमी है। तो ये मैंने पिक्चर यहाँ अपलोड कर दी, अभी इन पिक्चर को आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन पहली इमेज आपने खुद बनानी है, दूसरी इमेज आप पहली इमेज गूगल से पिक्चर लेके उसे जिस तरह मैंने बताया इस तरह आप एडिटिंग या अपने अंदाज से एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग लाजमी इमेज हो, जो दूसरी इमेज है वो आपने करीबन इस वेबसाइट से ले ली है, अगर आप वेबसाइट पर और पिक्चर लगा सकते हैं तो आप इन करीबन इस वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम आप याद कर सकते हैं PIXABAY, पता नहीं क्या इसने नाम रखा है पिक्साबे, तो इस वेबसाइट का नाम आप याद कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने पिक्चर अपलोड कर दी, ये देखिए इससे ये हो गया कट गया, अभी यहाँ से आपने इस चीज़ को हटा देने, ये जो लिंक आती है बार बार है इन चीज़ों को आप हटाते जाएं, ठीक है, है? तो यहाँ स्पेस दिया, तो अभी ये देखिए पिक्चर अपलोड हो गई, अभी ये वो पूछेगा कि पिक्चर यहाँ से थोड़ा ऐसे आप स्पेस दे दें हैं, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके ये इसका भी साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं, तो इसका भी मैं लार्ज कर देता हूँ, साइज़ बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए ये हमारी पिक्चर एक अपलोड होगी, अभी मैं इस चीज़ को आपने कॉपी करना, जब भी आप पिक्चर डाउनलोड करेंगे आपको इस तरह का एक ऑप्शन नज़र आएगा, ये देखिए मुझे भी एक ऑप्शन नज़र आया पिक्चर बाय इस बंदे की पिक्चर है तो इस वेबसाइट का, इसको आपने ऐसे कॉपी किया है, यहाँ पर जाके आपने इमेज के इस साइड पर क्लिक करना है, ये क्लिक किया मैंने इमेज के साइड, आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें अभी ये जूम के अभी देखें अभी मैंने ये इस तीर के निशान को देखें इस पे क्लिक किया, अभी मैंने इंटर दबाया ये इसके बिल्कुल नीचे आ जाएगा है, या मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया है, तो ये चीज़ अभी गलत, ऐसे आप कॉपी कर लीजिएगा, ये मैंने कॉपी किया है, तो ये देखें कितना बड़ा इसने लिख दिया, तो इस चीज़ को आपने ऐसे हटा देना है, तो इसी तरह आपने नीचे जाकर यहाँ आपने पेस्ट कर देना है, ये देखिए मैंने पेस्ट किया है, तो इस वेबसाइट का लिंक आ रहा है, इस बंदे का लिंक आ रहा है, ताकि गूगल को ये बताए कि इस वेबसाइट से आपने पिक्चर ली है, ये कॉपीराइट फ्री पिक्चर है इस वेबसाइट की, क्योंकि ये वेबसाइट है जो इस इनका दावा है कि आप यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं, लाखों मिलियंस पिक्चरें हमारे पास हैं, लेकिन उस पर गूगल आपको सट्रैक नहीं आपको देगा है, तो सारे लोग इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आपने इस देखे ये देखे अभी मैंने इस वेबसाइट के नाम को यहाँ से आप इसी तरह भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस नाम को थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा ये देखे एक निशाना कलर इस पर रेड किया, इस पर रेड कर दिया, आर्टिकल लिखे ऐसा लिखें कि गूगल आपको जल्दी अप्रूवल दे दे है, तो इस पर यह है कि आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा करीबन ये देखे हैं ये इस वे, अभी इसका साइज़ भी मैं छोटा कर देता हूँ ताकि ज़्यादातर अच्छा नहीं लगता बड़ा साइज़ है लोगों को नज़र आए, तो इसका करीबन साइज़ मैं अभी छोटा कर देता हूँ, जितना मर्जी आप इसका साइज़ कर सकते हैं, मैंने बहुत ही छोटा कर दिया इसका साइज़, ठीक है। अभी ये देखें मैंने आर्टिकल पे पिक्चर भी लगा दी, देखिए तमाम आर्टिकल मैंने किस तरह जनरेट किया, अभी ये दूसरा पिक्चर है करीबन इस पर भी हम कर देते हैं ऐसे, इस पर हमने कॉपी किया है, तो ये देखें इसी यहाँ हमने पेस्ट किया फिर से, ऐसे आपने एक एक लेफ्ट टाइटल से कॉपी कर लेना पेस्ट कर देना, आपको समझ आ जाएगा ये क्या चीज़ है, तो ये करीबन ठीक है कोई ऐसी मशीन है उस पर चीज़ है डिटेक्टर है, तो डिटेक्टर, तो अभी मैं देखें इस पिक्चर में यहाँ से कोई भी ले सकता हूँ, मिसाल के तौर पर ये देखें कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर हैं, तो ये वाली पिक्चर हम करीबन इनमें से कौन सी पिक्चर मैंने, हाँ ये वाली पिक्चर मैं ले लेता हूँ, फिर आपने फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है,
तो ये खुद ब खुद सेव हो जाएगी यहाँ से। इस पर आपने एडिटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वेबसाइट आपको बिल्कुल फ्री दे रही है। तो यहाँ से आपने पिक्चर ले लेनी है, कोशिश कीजिए कि लाजमी एक दो पिक्चर लाजमी आप आर्टिकल पे लगा ले हैं। जो जो पहली पिक्चर होगी आपकी है वो आपने एडिटिंग लाजमी करनी है, गूगल से लेकर एडिटिंग कर लीजिएगा है। यहाँ से आपको एचडी मिल जाएगी, ये साइज़ आपको कह रहा है कि किस साइज़ में आपको चाहिए है, आप साइज़ लिखेंगे ये देखें। जब मैंने डाउनलोड की है खुद ब खुद ये आ गई है, तो यहाँ से इस बंदे का ये पिक्चर है तो इस वेबसाइट के ये है कॉपीराइट फ्री, मतलब इस पे आपको कॉपीराइट नहीं पड़ेगा है। तो बस यहाँ मैंने ये पिक्चर भी अपलोड कर दी, तो इस निशान पे आपने तीन निशान पे क्लिक करने हैं, तो ये पिक्चर भी आपने यहाँ से अपलोड कर दी है। तो ये देखें ये पिक्चर भी मैंने अपलोड कर दी, बस इतनी सी गेम थी। ये हमारा आर्टिकल 100% रेडी हो चुका है। तो अभी देखिए ये मैंने इस पे अपलोड करने लगा हूँ, ये भी मैंने अपलोड करी। कोशिश कीजिए कि जो पहली इमेज है उसे आप एडिटिंग करें, किसी भी तरह आपने एडिटिंग करना अपने स्टाइल से आप वैसे भी कर सकते हैं। और अगर आपको एडिटिंग फर्स्ट पिक्चर नहीं करना आती तो वो मुझे बता दीजिए, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह मोबाइल पर वीडियो बना के आपको दे दूँगा है। ये मैंने पिक्चर यहाँ लगा दी, तो इस पर देखे फिर से मैं ऐसे चला जाता हूँ, ये साइड पर पिक्चर पर क्लिक किया ऐसे साइड पर, यहाँ से इंटर दबाइए बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा है। यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया, फिर से मैं इसका साइज़ ऐसे देखें यहाँ से बहुत ही छोटा कर देता हूँ साइज़ है। तो वेबसाइट का जो नाम है पिक्साबी, तो इसको पे मैंने क्लिक करके इसे रेड कलर दे दिया, क्योंकि आप भी इसे कलर दे सकते हैं, गूगल को पता चले कि ये जो पिक्चर है ये कॉपीराइट नहीं है, इस वेबसाइट की पिक्चर है। तो ये देखिए जिस बंदे की पिक्चर है इस वेबसाइट पे अपलोड की, उसका नाम, उसका नाम मैंने कर दिया। अभी इस पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, ये देखें निशान आ रहा है सेटिंग का, इस पर करके यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, पिक्चर थोड़ी बड़ी हो जाए है, अच्छी लगेगी है। तो ये टाइटल के बिल्कुल नीचे है। तो यहाँ आप टीसी पिक्चर सिस्टम की लगा सकते हैं, ऐसे सिस्टम आपने कॉपी किया या एंटी सिस्टम, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे ये पिक्चर भी मिल जाएगी आपको है। तो कोशिश कीजिएगा एक से दो पिक्चर लाजमी आप इस्तेमाल करें हैं, या आप अगर पाँच पिक्चर इस्तेमाल करते तो फिर तो ऐसा समझे आपका ब्लॉग तो टॉप नंबर पे होगा है। तो अगर एक दो भी इस्तेमाल करें तो बेस्ट है। तो ये देखें जो मैंने अपलोड कर दिया तकरीबन दो हैं, तो ये दिखाने के लिए अगर वैसे पांच ही आप अपलोड कर रहे तो बेस्ट हो जाएगा है। तो ये देखें ये लाइफ टाइम आपको पेमेंट देगा, मतलब ये आर्टिकल है आपने इस तरह बनाने आर्टिकल हैं। तो ये देखें आर्टिकल हमारा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी वो यहाँ हमसे लैब पूछ रहा है, अभी लैब की क्या गेम है आप समझिए, मतलब एक ऐसी वेबसाइट होती है जो एक ही वेबसाइट करीबन 10 वेबसाइटों को कंट्रोल कर रही होती है, मतलब हम भी अपनी वेबसाइट बिल्कुल ऐसी बनाएंगे, एक वेबसाइट हमारी हो जो 10 कैटेगरी पर वेबसाइट हो, मतलब एक ही कैटेगरी को हमने नहीं करीबन अपनी वेबसाइट। अभी देखिए अगर हम मैं बिजनेस पे अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल अपलोड करूँ डेली बेस पे, तो मेरी वेबसाइट बिजनेस वाली वेबसाइट बन जाएगी, जैसे ये वाली वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ये वाली वेबसाइट है देखिए, इसकी एक वेबसाइट है एक छोटी सी है, ये $70,000 से भी ज़्यादा मालिक को कमा के दे रही है, लेकिन इसने एक ही वेबसाइट को कितनी कैटेगरी में चेंज कर दिया। देखिए इसने कैटेगरी बनाई है, बिजनेस बनाई है, स्टार्टअप बनाया, टीच बनाई है, मार्केटिंग बनाई है, कॉमर्स बनाई है, देखिए सॉफ्टवेयर टिप्स है, मुख्तलिफ कैटेगरी पर इसने अपनी वेबसाइट को तब्दील कर दिया ताकि ये अलग अलग कैटेगरी पे आर्टिकल लिख सके हैं। तो इसने सिर्फ बिजनेस नहीं याद दिया, बिजनेस पे नहीं सारे आर्टिकल, लेकिन मार्केटिंग पे क्लिक करते हैं डिजिटल मार्केटिंग आ गया, अभी डिजिटल मार्केटिंग पे हमें आर्टिकल मिल जाएंगे। तो कोशिश करनी है आपने पांच कैटेगरी अपनी वेबसाइट पे आप बनाए हैं, तो इसे हम ऐसे पब्लिश कर देते हैं। तो वो पूछ रहे लैब के बिना, मतलब यहाँ अगर आपकी कैटेगरी है तो आप यहाँ इसे दे सकते हैं। अभी मैं बाहर से आपको देना दिखाता हूँ, ये देखें हमारा करीबन पहला आर्टिकल अपलोड हो चुका है, इस पर हमने क्लिक किया, ये आर्टिकल अभी आप व्यू कर सकते हैं। ये देखें कितना मज़ेदार आर्टिकल है, बिना कॉपीराइट का आर्टिकल है 100%, ये करीबन रियल आर्टिकल है बिना कॉपीराइट। अभी काफ़ी लोग पाकिस्तान में आर्टिकल सेल करने से भी पैसा कमा रहे हैं, मतलब कि पाकिस्तान में एक एक सालों में उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाया। अभी आपसे कोई कहता है कि मुझे आर्टिकल वेबसाइट के लिए लिख के दूँ, आप इस तरह से आर्टिकल लिख के बेच सकते हैं, आर्टिकल हैं अच्छी कीमत में आर्टिकल बिकते हैं, मतलब कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं चला जाता हूँ या मैं लिखता हूँ, देखें फाइवर पे मैं चला गया हूँ, तो ये देखें आपको ये तो चलें इस स्कोप से अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आपको एक बार ये भी बता दूं कि आर्टिकल की कीमत कितनी है, मतलब कि आप फ्री लांसिंग पर भी इस चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं। तो ये देखें 15,000 रुपया सिर्फ आर्टिकल लिखने का ले रहा है, तो अलग अलग आर्टिकल होते हैं, तो इस तरह मैं जब आपको कीमतें दिखाता हूँ आप देख के बोलेंगे कि समझ इतनी ज़्यादा कीमत ले रहे हैं,
तो ये देखें, और इनके इनमें काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी भी आर्टिकल राइटिंग SEO वाले आर्टिकल हैं। तो ये देखें, ये ब्लॉग आर्टिकल लिख के देता है, तो कितने अल्फाज पे लिख के देता है, लेकिन अभी मैंने 900 अल्फाज का आर्टिकल बिल्कुल फ्री लिख के दिया है। 150 अल्फाज 8000 रुपया सिर्फ ले लिया, 2 ऑर्डर के लगे 855 ऑर्डर से तकरीबन इसने कम्प्लीट कर लिया। टॉप रैंकिंग सेलर, मतलब टॉप रैंकिंग सेलर $20,000 से ज़्यादा इसने अर्न किया, उसके बाद टॉप रैंकिंग सेलर को खताब मिले हैं। तो ऐसे नहीं खताब मिलता, ये 20,000 करीबन जब आप करीबन अर्न करते हैं, उसके बाद डॉलर अर्न करते हैं, उसके बाद ये टॉप रैंकिंग मिले। 2 ऑर्डर के लगे इसके 150 अल्फाज का ये कितना ले रहा है, 8000 पाकिस्तानी ले रहा है। ये आर्टिकल आपको लिख के देगा, जो हमने अभी आर्टिकल बनाया है इस आर्टिकल की कीमत कितनी होगी मार्केट में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब 985 लफ्ज का आर्टिकल है और ऑल आर्टिकल करीबन हमारा SEO वाला 100% यूनिक, तो इसका आप अंदाजा लगाएं ये अभी कितने का, मैं आपको दिखाता हूं ये कितने का बनेगा। प्रीमियर पे चले, 500 अल्फाज का आर्टिकल सिर्फ ये 23,000 रुपए का दे रहा है। यहां से आप देखें, आप फ्रीलांसर पे इसका बिजनेस कर सकते हैं, आर्टिकल सेल का है, तो इस पे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मतलब पाकिस्तान में आप आर्टिकल सेल करके पैसा कमा सकते हैं कि आर्टिकल आप लिख के, किस तरह आपने आर्टिकल लिखना है वो तो आप सीख गए होंगे, किस वेबसाइट का किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। कोई घोड़ा आता है आपको, जी मैंने एजुकेशन पे आर्टिकल लिखना है, आप एजुकेशन के किसी भी आर्टिकल को यहाँ से टाइटल लेके उसे उस घोड़े से आपने, चाहे एजुकेशन का आप किस टाइटल किस बारे में लिखना चाहिए, वो घोड़ा आपको खुद टाइटल बता देगा। वो टाइटल आपने उठाया है, इस वेबसाइट पर आया है, तो इस वेबसाइट पर आके अपने अपलोड 2 क्रेडिट आपको मिलेगी, आप अपलोड करेंगे मुकम्मल आपको यस है। घोड़े से आपने टाइटल लिया, जनरेट किया, यहाँ आपने पेस्ट किया और टाइटल है, या थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है घोड़े से पूछेगा कौन सा, क्रिएट करके आर्टिकल आपका क्रिएट हो जाएगा। घोड़े को दे दिया अच्छा खासा 23-20 हज़ार लोग देखे किस तरह कमा रही आर्टिकल बेच के, क्योंकि लोगों को ये वेबसाइट के बारे में पता नहीं है या टेक्नोलॉजी से किस तरह आर्टिकल बनती हैं। तो जो भी आर्टिकल ये बनाता है अभी, ये आप रीड भी कीजिएगा, मतलब कि उर्दू में अगर आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश उर्दू गूगल ट्रांसलेशन करें, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये किसी बोट ने आर्टिकल आपको लिख के दिया मिनटों में। जो हकीकत में इंसान सोचता है वही आर्टिकल आपको इसने लिख के दिया, पूरी सोच पे इसने, बिजनेस पे अभी देखे किसने आर्टिकल इसने लिख के दिया मुझे, जो कि पहले किसी भी वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा। ये हो गया आर्टिकल लिखने का तकरीबन एक तरीकाकार है, मतलब इसमें हमने सीखा है, जो तरीकाकार हमने सीखा है कि किस तरह हम अपने आर्टिकल लिख सकते हैं। अभी इसी पर हम दूसरा सीखेंगे, मतलब कि इसी कैटेगरी पर हम दूसरा, तो इसके साथ अभी देखें इसको बंद कर सकते हैं, यहाँ से आर्टिकल सेल आप कर सकते हैं। तो ये कोर्स अलग चीज़ थी, तो लेकिन मैंने कहा कि चले बता दूं, आर्टिकल आप सेल भी करके पैसे कमा सकते हैं, अच्छे खासे इन चीज़ों पे पैसे मिलते हैं। तो ये सब कुछ हम क्रॉस करते हैं अभी, तो अभी हम क्रॉस करते हैं तमाम चीज़ें। तो अभी ये देखें, अभी इसको हमने कैटेगरी कैसे बनानी है, अभी मैनेज पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ से वो कर, अभी ये निशान होगा थोड़ा फिल्टर बाय लैब, तो इस पे आपने चलना है। ये देखें, वो कह रहा है कि आपका अभी तक कोई भी कैटेगरी नहीं, मिसाल के तौर पर हम अपनी वेबसाइट की कैटेगरी बना लेते हैं, तो आप भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी बनाएं। हम इस पे होम बना लेते हैं, होम पे चले हमारा ये सारा कुछ हो गया, वो तो चले होम ही हो गया है। तो हम एक मोटिवेशनल बना लेते हैं, अभी ये कैटेगरी मैंने पहले से लिखी हुई है, डे तक टाइम हमारा बचे काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी, ये हमने एक कैटेगरी बना ली है। तो ये देखें, मैंने एक कैटेगरी भी बना ली है, तो अभी मैं देखता हूँ। अभी हम अपनी कैटेगरी देखते हैं, हाँ जब ज़्यादा आर्टिकल होगी तब बनाएंगे। तो अभी मैं आपको करीबन फिर से इस आर्टिकल को मैनेज किया, यहाँ से आपको बनाना सिखाऊंगा मैं। ये देखें, इस पे आपने क्लिक करना है, मिसाल के तौर पर ये देखें हैं, आपने एक आर्टिकल लिखने के बाद आपने सबसे पहले करीबन मैनेज पे क्लिक करना है, उसके बाद इसे सेलेक्ट कीजिएगा कि उसके बाद ये निशान आप देख ले, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये निशान होगा एक लैब वाला है, इस निशान पे इस पे लिखा होगा ऐड योर लैब। तो यहाँ हमने मोटिवेशनल क्रिएट, ये हमने क्रिएट कर लिया, तो ये मोटिवेशन पे चला गया है। तो इस पे हमने फिर क्लिक किया, आखिर में ये एक आर्टिकल हमने लिखा वो मोटिवेशन पे चला गया है। तो इस तरह जितना बहुत ज़्यादा जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो अलग अलग आप इस पे करीबन लैब बना सकते हैं, तो लैब आपने बना के उन पे आपने आर्टिकल, ये आर्टिकल है जो हमारा करीबन मोटिवेशन पर मिलेगा जी, इस पर मैं करीबन इस पर भी आपको बता दूँगा आगे जाके जब ज़्यादा आर्टिकल हम लिखेंगे। तो अभी ये देखें,
अभी हम दूसरे तरीके पे बात करते हैं कि ये होगा एक है डायरेक्ट आर्टिकल, इस पे देखिए हमारा टाइम बचेगा है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ फास्ट तरीके से है। मिसाल के तौर पर मैं अभी यहाँ से कोई और टाइटल कॉपी करता हूँ, जो इनके देख लें, ये वाला भी मैंने टाइटल कॉपी किया, इसको मैंने ओपन किया। ये देखिए इस वेबसाइट का मदद से आप कितनी जल्दी आर्टिकल लिख सकेंगे, मतलब कि यहाँ से आप कितनी जल्दी आर्टिकल लिख सकेंगे। तो इस पे आपने क्लिक किया, ऐसे प्रोफाइल पे आपने क्लिक किया, मैं जल्दी जल्दी जनरेट पे आपने क्लिक किया, इस पे आपने टाइटल पे क्लिक किया। तो यहाँ से आपने करीबन थोड़ा सा कॉपी करना है, कोशिश करना सारे नहीं कॉपी करना है, थोड़ा सा कॉपी करके उसे डिस्क्रिप्शन याद दे दिया, ताकि ये टेक्नोलॉजी को समझ आ सके कि आप किस पे आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट पे आपने रखने हैं, क्रिएट पे क्लिक करना है। ये देखिए दूसरा आर्टिकल भी हमारा क्रिएट हो गया, सिंपल फास्ट तरीके से क्रिएट किया, अपलोड किया, पिक्चरें लगाई, अपलोड कर दिया, आपको करीबन आर्टिकल करीबन आपका रियल। तो ये तरीकाकार आप एक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको तमाम तरीके का समझाना चाहता हूँ ज़िंदगी में है, तो आपके आपको इसके अलावा तमाम तरीके का समझो। तो ये अभी हम दूसरी वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब ये अभी दूसरी वेबसाइट की तरफ हम बढ़ेंगे, तो हम दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये हमारे कॉपी की वेबसाइट आप देख ले, ये कॉपी MATIC मैटिस। तो इस वेबसाइट पे लॉग लगाओ, इस पे आपने VPN लगा देना है मैरकी, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट फ्री ट्रैवल पे, यहाँ फिर से वही चीज़ मांगेगा कि ईमेल, ये देखिए फेक ईमेल हमने यहाँ से बना लिया था, ये ईमेल कॉपी किया है, यहाँ हमने पेस्ट किया, जल्दी जल्दी हम करेंगे पेस्ट किया, तो पासवर्ड हमने बनाया था, ये देखिए ये पासवर्ड मैंने बनाया था, ये मैंने जल्दी जल्दी पासवर्ड यहाँ क्रिएट कर लिया है, कॉपी पेस्ट कर लिए। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ये देखिएगा इस वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइटल वगैरह भी आप यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से भी आर्टिकल बना सकते हैं, लेकिन ठीक है आर्टिकल आप वहाँ से बनाएगा कि इस वेबसाइट के ज़रिए मैं आपको टाइटल बनाना सिखा देता हूँ। तो ये है कि अभी ये कह रहे हैं कि ये ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, चले ये भी मेरा दिल है, मैंने रजिस्टर किया होगा किसी सन में है, तो यहाँ एक और ज़ीरो लगा देते हैं, तो अभी ये ईमेल कर देते हैं। ईमेल की कमी नहीं है, ये वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है, ईमेल की आपको कमी नहीं होगी है, यह है कि यहाँ से आपको लाखो ईमेल मिल जाएगी, बस आपने चेंज करते जाना है, तो ये आपको ईमेल देती जाएगी है। तो अभी ये देखिए ये वेरीफाइड आ गया, ओके ये अकाउंट भी आपका चलेगा। अभी टाइटल बनाना मैं सिखाऊंगा आपने को कि आर्टिकल तो हमारा बन जाएगा, ये टाइटल आपने कोशिश करना वेबसाइट वाला नहीं अपलोड करना, SEO वाला अपना टाइटल अपलोड करना है, तो इसी का हम टाइटल यहाँ से अपलोड करना मैं आपको सिखा दूँगा, लेकिन आर्टिकल भी आप इस वेबसाइट पर बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्री ट्रैवल अभी करीब, हाँ ये वेबसाइट मैंने कहा कहाँ चलेगी, तो अभी ये देखिएगा कि बड़ी जल्दी जल्दी अभी मैं ये देखिए ये एक्टिव आ गया है, तो यहाँ से आपने एक्टिव अकाउंट के ये आपको 10 क्रेडिट देगी ये वेबसाइट, लेकिन ये वेबसाइट अलग अलग है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक जल्दी जल्दी आर्टिकल आपको बना के देती है, दूसरी पे आपको खुद बनाना पड़ता है आर्टिकल है, तो इस पे आपको टाइम लगता है, SEO करनी पड़ती है अच्छी खासी, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन इस पर भी आपको बेहतर आर्टिकल मिल सकता है, क्योंकि एक आर्टिकल आप किसी वेबसाइट का डायरेक्ट उठा रहे हैं यहाँ से है, तो ये दूसरी वेबसाइट है, इस पे ये है कि आर्टिकल आपको ऑटो बनाना पड़ता है खुद है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसका भी इस्तेमाल इस वेबसाइट का भी आप कर सकते हैं। तो किस तरह मैं इसका आर्टिकल बनाता हूँ, तो थोड़ा सा इंटरनेट भी आज कमज़ोर है, तो चले कोई नहीं। तो इस वेबसाइट पे आर्टिकल के लिए आप किस तरह बना सकते हैं खुद, वो चीज़ अभी मैं आपको सिखाऊंगा है। तो ये वेबसाइट भी आपने याद रखनी है, ईमेल जनरेटर वाली है। तो उसके अलावा करीबन ये वेबसाइट करीबन आप सेव कर लें, आप कोशिश करें कि वीडियो में जितनी भी वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ आप किसी नोटबुक में सेव कर लें ये वेबसाइट, तो ज़िंदगी में लाजमी आपकी काम आएगी। तो ये वेबसाइट ओपन करने में इशू आ रहा है क्योंकि इस पे मैंने VPN लगा दिया जहर है, तो ये वेबसाइट पाकिस्तान ऊपर भी नहीं होती, लेकिन बड़ी काम की वेबसाइट है, मतलब इस पे आपको टाइटल वगैरह SEO वगैरह करना आसान हो जाएगी। इस पे सिर्फ एक ही फंक्शन ही करीबन YouTube का भी इसमें फंक्शन आपको मिल जाएगी, Facebook पे भी मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ये वेबसाइट आपको फंक्शन देती है, प्रोवाइड करती है। तो कंपल ये है कि अभी ये वेबसाइट पाकिस्तान में बैन है, घोड़े ये नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट का कोई इस्तेमाल करके पाकिस्तानी ये इंडियन कमाए, अभी उनमें भी एक जेलस मान होता है, ये चीज़ आपने समझनी है जिंदगी में है। तो वो इस जेलस को निकालने के लिए इन मुल्कों में बैन करते हैं। अभी ये देखिए पाकिस्तान में बैन क्यों की हुई है, घोड़े नहीं चाहते कि हमारी टेक्नोलॉजी का पाकिस्तानी इस्तेमाल करें, अगर उनको पता इस्तेमाल करेंगे ये सारे पैसे कमा लेंगे हैं। अभी ये देखें ये यूरोपियन इस पूरी वेबसाइट को आप कॉपी कर सकते हैं, मतलब कि एक झटके में इस पूरी वेबसाइट को देखें आपने किस तरह कॉपी किया है, तो ये कॉपी काम नहीं है, मतलब कि ये 100% रियल काम है, ये जो भी आपने आर्टिकल क्रिएट किया ये रियल, जो कॉपी काम होगा वो तो हमने अभी सीखना है, मतलब ये तो अभी रियली काम होगा। ये वेबसाइट ओपन होगी, ये देखिए इसने हमें 10 क्रेडिट दे दिया, 10 क्रेडिट का हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे हैं,
तो इसमें आपने कोई आपने इसमें क्रेडिट खरीदने का आपको ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आपको दिखाई है पहली वेबसाइट पे भी आप देखिए ये आर्टिकल एक और इसने हमारा क्रिएट कर दिया है। ये देखिए हमारा दूसरा, इनको हम आप सेल भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसने दूसरा आर्टिकल भी पॉइंट देकर लिखा है, ये 5-5 पॉइंट। तो हमने जो भी इसे एक छोटा सा हमने टाइटल इसे दिया है, इसने हमें पूरा का पूरा आर्टिकल लिख दिया है। यहाँ से आप कॉपी करें अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दें हैं, तो उसी तरह पेस्ट करना जिस तरह मैंने बताया। तो ये कि हमारे कितने आर्टिकल हो गए, 2 अलग अलग आर्टिकल हमने लिख दिए है। मतलब इस पर अभी ये देखें 0 क्रेडिट हो गया इस वेबसाइट का। अभी आपने पता क्या करना है, जब आपने दोनों आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर दिए हैं अपनी वेबसाइट पर, इस पर लॉग आउट किया, फिर से आपने गेट स्क्रीमेंट इस पर फ्री ट्रैवल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जाके फिर से ये ईमेल कॉपी किया है, तो जल्दी जल्दी देखिए आप पासपोर्ट साइज का कैप्चा फिगर फिर से भर के फिर से 2 क्रेडिट आपको मिल गया। ऐसे लाखों क्रेडिट आपको मिल गए हैं, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल भी आपको मिल जाएगा, आर्टिकल को आप सेल भी कर सकते हैं। अभी हम दूसरी वेबसाइट की बात करते हैं, तो करीबन जो पहला हमारा जो है इसी पर हम अभी ये देखें, मैंने टाइटल इस पर लिखा हुआ है, ये एक छोटा सा टाइटल है। तो अभी इस टाइटल को हम, ये अलग अलग वेबसाइट है, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। करीबन मैं आपको करीबन जो पहली मैंने बताई उसी के ज़रिए आप ये तमाम लिख के आपका काम हो गया, मतलब ये सारा आपका आर्टिकल ये करीबन आप समझ लें आपका काम हो गया। ये दूसरी वेबसाइट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि करीबन फ्यूचर में, क्योंकि आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकती है। तो इस पर भी आप आर्टिकल देखें कितने ऑप्शन ये हमें दे रही है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देती है। ये देखिए यूट्यूब का भी ऑप्शन ये हमें दे रही है, फेसबुक पर भी टाइटल, वीडियो का टाइटल किस तरह बनाना है, फेसबुक प्रीमियर टेक्स्ट किस तरह बनाना है, फेसबुक हेडलाइन गूगल ऐड के लिए किस तरह अपने सर्च करना है, ये देखिए कितने ऑप्शन दे रही है। लेकिन फिलहाल हम इससे टाइटल अपना बनाएंगे, ब्लॉग टाइटल है अभी। ये देखिए ये अभी यहाँ वो पूछेगा कि करीबन अपने करीबन ब्लॉग का ये अपने करीबन ये भी ले ले, ये देखिए ये कॉपी किया अपने उसी वेबसाइट का है टाइटल, या मैंने पेस्ट किया जनरेट पर क्लिक किया। ठीक है अभी ये कितने अच्छे से हमें टाइटल बना के देगा, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे इसने हमें टाइटल बना के दिए हैं। तो इनमें से हम टाइटल जो ले लेते हैं, ये वाला सेम ही टाइटल हो गया है, तो यहाँ से हम कोई भी टाइटल ले सकते हैं, बिजनेस है तो जो इसने समझ के हमें बना के दिए, तो यहाँ से हम ये वाला टाइटल ले सकते हैं। ये वाला काफ़ी बेस्ट है, ये देखे ये अभी ये देखिए टाइटल भी हमारा चेंज हो गया, हमारा पूरा का पूरा ऐसा समझने के आर्टिकल हमारा बन गया, अभी पूरा का पूरा हमने पब्लिश भी कर दिया है। ये देखिए आर्टिकल हमने किस तरह बनाया, किसी वेबसाइट का इस्तेमाल करके किसी बड़ी, आप फूड का आर्टिकल बना सकते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट के आर्टिकल इस तरह बना सकते हैं। और ये आर्टिकल कोई कॉपी राइट नहीं है, मतलब ये नहीं कॉपी राइट वर्क, वो तो मैं अभी आपको सिखाने में लगाऊँ कॉपी राइट वर्क, ये आपका रियल काम है। मतलब ये जो आपका आर्टिकल है ये रियल, आप ये कहीं भी सेल कर सकते हैं, और ये 100% आपका रियल आर्टिकल है। दुनिया में किसी ने नहीं इस आर्टिकल को पहले लिखा होगा जो ये आर्टिकल आपका है, ये मत आप सोचिएगा कि ये किसी वेबसाइट का कॉपी, क्योंकि ये देखिए टाइटल भी आपने चेंज कर दिया है, तो इस पर खुद ब खुद विजिटर आएंगे है, क्योंकि ये आर्टिकल आपका इंटरनेशनल है, तो आपको टाइटल किस तरह मिलना है अपने इस वेबसाइट से ले लेना टाइटल है। तो इस वेबसाइट का नाम आपने याद कर लीजिएगा, कॉपी हेमेटिस, पता नहीं क्या नाम है इस वेबसाइट को, कॉपी MATIC, तो आगे आपने AI लिख देना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस वेबसाइट का नाम पढ़ा करके, मैंने कहा बड़ा करके दिखा दूँ, आप किसी और वेबसाइट पे ना चले जाइए हैं, क्योंकि आपको अभी अभी समझ नहीं लगती, कभी मैं कोई चीज़ समझाता हूँ तो बाद में आप किसी और वेबसाइट पे चले ना जाए, तो फिर बोले कि सर ने पता नहीं कौन सी वेबसाइट हमें सिखा दी है बनाना। तो ये देखें हैं, तो अभी आर्टिकल की क्लास बड़ी लंबी हो रही थी, इसलिए अभी इसकी एक क्लास रहती है जहाँ मैं खुद आपको अपने हाथों से आर्टिकल लिखना भी सिखाने वाला हूँ अभी, क्योंकि ये चीज़ें अभी चाहूँ तो मैं यही चीज़ें आपको सिखा के बोलूँ कि बस, लेकिन जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है वो सब आपको तरीके आने चाहिए, ताकि आगे जाके आपको अच्छा अपने पैसा कमाना है। तो हमने बहुत बड़ी मार्केट टारगेट करनी है, तो इसलिए हमें तमाम चीज़ें आनी चाहिए। तो इसे मैं, हाँ इसे मैं जूम करने लगा था, ये है वेबसाइट का नाम, ये आपने गूगल पे ऐसे सर्च करना है, ये वेबसाइट का नाम देख लिया, अभी आपके लिए स्पेशल जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये आप वेबसाइट का नाम याद करें, ये दूसरी वेबसाइट है, पहली वेबसाइट आपको मैंने दिखा दी है, तो ये पहली वेबसाइट आपने याद कर ली होगी जो पीछे मैंने दिखाई है, तो ये दूसरी वेबसाइट है। तो इस पर क्या आपको देखें टाइटल, इस पर किस तरह आपने जनरेट किया है टाइटल, यहाँ से जनरेट करना है, पीछे आपके यहाँ भी रह गया है 9 क्रेडिट रह गया पीछे, 9 बड़ा पोर्ट टाइटल जहाँ से जनरेट कर सकते हैं, इन दोनों वेबसाइट का इस्तेमाल करके अपने इस्तेमाल करें। अभी गूगल एड्स अप्रूवेड के लिए अभी ये जो चीज़ है ये आपको मैं समझाता हूँ, डेली बेस पर आपको गूगल एड्स अप्रूवेड के लिए कितने आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी,
कोशिश करें कि एक ही दिन में आपने 500 करीबन एक ही दिन पे आपने 10-20 आर्टिकल नहीं अपलोड कर देना, कोई आपने बड़े सेंस वाला काम लेने हैं। कम से कम ये करीबन कम से कम आपने इसमें टाइमिंग लगा लें, करीबन एक दिन में आपने कोशिश करनी है कि 3 से 5 आर्टिकल अपलोड करें हैं, 2 आर्टिकल अपलोड कर लें या 3-4-5 आर्टिकल एक दिन में अपलोड करें हैं। तो क्योंकि आपने टाइमिंग लगा के अपलोड करनी है, एक ही दिन में 25 आर्टिकल अपलोड करके यहाँ से अपने अर्निंग पे जाके है गूगल एडसन पे नहीं भेज देना, अपनी वेबसाइट है ऐसे रिजेक्ट हो जाएगी है। कोशिश करें, मैं आपको दिखाता हूँ, 25 आर्टिकल की ज़रूरत होगी। 1000 अल्फाज के अगर आपके आर्टिकल है तो आपको 25 आर्टिकल की ज़रूरत होगी, अगर आपके करीबन 300 अल्फाज का एक आर्टिकल है तो आपको करीबन 50-60 आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी गूगल एडसन अप्रूवल के लिए है। तो हमारे तो करीबन 1000-1000 वर्ग के आर्टिकल हैं, तो जो वेबसाइट क्रिएट करती है कभी काम कर कोई इशू बनी है, तो दिन पर आपने 5 आर्टिकल अपलोड करने हैं या तो आप 4 आर्टिकल अपलोड कर सकते हैं जितने आपको टाइम मिलता है, 2 आर्टिकल अपलोड कर सकते, लेकिन 5 आपने जल्दी अप्रूवल कर लिया, 5 आर्टिकल अपने अपलोड कर दे रहे हैं। तो ये 5 आर्टिकल करीबन ये 5 ज़रब करीबन 10 दिन में आप अपलोड कीजिएगा आराम से 50 आर्टिकल। गूगल की रिक्वायरमेंट में 25 आर्टिकल है, आप 25 एक्स्ट्रा आर्टिकल अपलोड करके वेबसाइट पे दे हैं, लाजमी 50 आर्टिकल के बाद आपने करीबन अर्निंग के लिए अप्लाई करना। अप्लाई किस तरह करना है वो मैं आपको तरीका अगर आने वाली क्लास में बताऊँगा, फिलहाल इस क्लास में हम आर्टिकल सीख रहे हैं। देखें, हमारे टाइटल भी चेंज करके आर्टिकल बनाया, आपके सामने मैंने तमाम चीज़ें की हैं, तो अगर आपको समझ नहीं आती आप मुझसे बात कीजिएगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद करनी है, पिक्चर पहले आपने खुद बनानी है, मोबाइल से किसी भी एप्लीकेशन से बना सकते हैं, कहीं से अपने अंदाज से भी बना सकते हैं जिस तरह आपको मुनासिब लगे हैं। तो उसके बाद ये पिक्चर आपने कहाँ से लेनी है, पिक्सल क्या नाम था, गोरो की वेबसाइट का नाम बड़े अजीब होते हैं, तो ये पिक्स बे पता नहीं क्या। तो ये देखिए, इस वेबसाइट पे आपने कॉपीराइट फ्री इमेज ले ली है, तो इस वेबसाइट को आपने कोशिश करना, ये जितनी वेबसाइट को मैं जिक्र करता हूँ ये आप नोटिस बुक में सेव कर ले, कोई सी ऐसी जगह रख ले जहाँ आप सेव कर ले ये सारी वेबसाइट, यहाँ से आपने ईमेल ले लिया, नीचे वाली इमेज आपने एडिटिंग नहीं करनी, सिर्फ ये क्रेडिट देना जो आपको मिल जाएगा जब भी आप कोई पिक्चर डाउनलोड करेंगे है, तो इस तरह आप दे सकते हैं। कोशिश करें 5 इमेज भी अगर नीचे आप दे ले हैं तो ये बेस्ट रहेगा है। तो उसके बाद आपने ये टाइटल लाजमी चेंज कर लेना, यहाँ से इस वेबसाइट का अपने टाइटल चेंज कर लेकर इस्तेमाल करना है, तो उसके बाद आपका ये आर्टिकल रेडी हो जाएगा। या आपने देखे लैब पे मोटिवेशन मैंने बनाया था, मोटिवेशन अगर बिजनेस का आपने लैब बनाना है तो बिजनेस पे आपने अपलोड करना है, जब आर्टिकल ज़्यादा होंगे तब मैं आपको लैब बनाना भी सिखा दूंगा है। तो ये देखे बस इतनी सी बात है, सिंपल सी बात ये देखे हमारी करीबन वेबसाइट 100% रेडी, करीबन वेबसाइट इस पर आर्टिकल हमारा 100% आर्टिकल का करीबन आप समझ गए होंगे कि किस तरह बनाना है। अभी हम इस वेबसाइट हमने टाइटल बना सके, इसी वेबसाइट का भी इस्तेमाल करके हम आर्टिकल बनाते हैं, चलिए आपके लिए आर्टिकल मैं बनाता हूँ। इसमें थोड़े से इस वेबसाइट में आपको मेहनत लगेगी, लेकिन इसमें यह है कि आप करीबन ऐसा समझें कि जैसे आप खुद नहीं हाथों के साथ लिख रहे वैसे आप आर्टिकल इस वेबसाइट पर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम चले जाते हैं, मतलब कि हम इस पे क्लिक से चले, सबसे पहले वो पूछेगा कि आर्टिकल का टाइटल क्या आपने रखना है, जो हमने टाइटल अभी बनाया है इसी टाइटल को हम कॉपी करेंगे। अभी टाइटल आपने कहाँ से देना है, मतलब किसी भी आपने किसी भी करीबन मैंने तो अभी बनाया इस पे टाइटल है, तो ये है कि है तो आपने यहाँ से ये वाला टाइटल ले सकते हैं, यहाँ से ये आर्टिकल आप अपलोड करने वाले हैं, ये देखें ये वाला टाइटल उठा के आपने दे दिया, इस तरह कोई भी आप टाइटल उठा के दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी हज़ारों वेबसाइट हैं जो आर्टिकल के लाखों डॉलर कमा रही हैं, अगर आप उन वेबसाइट को टारगेट करेंगे तो बड़ी आसानी से करीबन आप कमा सकेंगे, और जो आर्टिकल है वो लॉन्ग टाइमिंग कर देता है, जो न्यूज़ है वो शॉर्ट टाइमिंग कर देती है, ये आपने चीज़ याद रखनी है, आर्टिकल लॉन्ग टाइम आपको इनकम देता है, जो न्यूज़ है वो शॉर्ट टाइम आपको इनकम देगी, वो नहीं लॉन्ग टाइम आपको इनकम देगी है। तो यार ये मैंने टाइटल यहाँ से कॉपी कर दिया रेस्टोरेंट का है, तो ये आर्टिकल होते हैं जो घोड़े सर्च करते हैं, तो यहाँ जाके एक जीवन ये देखे ब्लॉग पोस्ट राइटर, तो यहाँ आर्टिकल हमने अपलोड किया। अभी वो कह रहा है फोकस कीवर्ड, मतलब कि आप अपने फोकस कीवर्ड बताएं हमें है, जो आप फोकस करना चाहें, फोकस कीवर्ड आपके क्या है, मतलब देखें की वर्ड प्लानर, तो इतना तो आपको कोई भी नहीं समझा सकता। मैंने देखा एक पाकिस्तान में 97,000 रुपया फ़ीस लेते हैं, इफ्तार नाम का बंदा है, तो चलो उसको भी बताऊंगा, तो वो 97,000 फीस लेता है गूगल एडसन का पाकिस्तान कोर्स करवाता है, तो उसके बावजूद से वो गूगल एडसन का कोर्स से करवा रहा है, मतलब कि बैठ के गूगल एडसन का कोर्स करवा रहा है, उसके बाद डेटाबेस है नहीं है, उसके बाद खुद ही उसको डेटाबेस की ज़रूरत है,
तो अभी वो गूगल एडसेंस का कोर्स करा था 97,000 ले रहा है। किस चीज़ का ले रहा है? अपने पास बुलाता है बच्चों को, वहाँ जाए हैं या जो चीज़ें मैंने सिखाई है मेरे करीबन कोर्स के मुताबिक, वो मेरे कोर्स के मुकाबले में 1% वो सिखा के 97,000 ले रहा है। यहाँ से आप इंदाजा लगा, मैंने उसका कोर्स देखा, मुझे हंसी आ गई। उसने से वेबसाइट अप्रूव करवानी सिखा दिया, मतलब कि वेबसाइट पे ऐसे आर्टिकल अपलोड करें, ये करो वो अपलोड पर, बस ये चीज़ें उसने। मैं देखे कितने सिंपल तरीके से आपको तमाम चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि उसने बस ये छोटा मोटा उसका काम था कि उसको फीस ले रहा है, अच्छी हंसी ले रहा है, 1,00,000 एक बच्चे की फीस ले रहा है, यानी 10 बच्चों से 10,00,000 फीस उसने ले ली होगी। तो ये चीज़ें भी उसने सिखाई होगी। अगर आपके करीबन आप जानते हैं तो फेसबुक पे आप उसका पेज देख रहे हैं, इफ्तिराक के नाम से 97,000 फीस ले रहे हैं गूगल के, तो आप उसके स्टूडेंट से भी बात कर ले सकते हैं कि आप किस तरह वो जो चीज़ें सिखाते रहे ऐसा समझे कि समझ ही नहीं आती है। तो क्योंकि बस वो जल्दी जल्दी सिखा देता है, करीबन वो करीबन 8 क्लासेस वो भी ले रहे हैं, तो उसके बाद वो ख़त्म कर देता, ठीक है ये होगी। तो इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है, हमने तो अर्निंग करवाना आपसे, करीबन आपसे करवानी है, तो कीवर्ड प्लानर पे हम चले गए। तो ये कीवर्ड प्लानर गूगल की वेबसाइट नहीं शो होती, ये इनका बड़ा इशू है। तो यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी सारे वेबसाइट पे नहीं आपने चले जाना, सिर्फ गूगल की वेबसाइट पे आपने जाना है। तो एक ये इशू है, या फिर गूगल एड्स, तो कीवर्ड प्लानर गूगल एड्स ये देखे, ये होम टूल्स आगे कीवर्ड प्लानर लिखा हुआ है, तो इस पे आपने जाने हैं। तो ये कल भी मैंने आपको पीछे भी बताया था, ये अकाउंट आप बना लीजिएगा, अगर नहीं बनाता तो मुझसे बात कर सकती है। तो इंशाल्लाह ये बनाना बड़ा आसान है, मतलब यहाँ जा किसी अपने इसी तरह क्लिक करना है सेटअप पे, तो ये अकाउंट आपको बन जाएगा। इस पे आपने पैसे नहीं डाले, कोशिश करिए कि वेबसाइट पर आपने पैसे नहीं डाले, कहीं आप इस वेबसाइट पर जाके ये फ्री का काम हो रहा है, ये फेक ईमेल के जरिए आपको फ्री के लाखों क्रेडिट में लेके दे रहा हूँ, ये देखकर नो क्रेडिट, या फिर से अकाउंट बना लेंगे फिर 10 मिल जाएंगे, लाखों क्रेडिट मेरे अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है। तो ये देखिए अभी कीवर्ड प्लानर का मैं इस्तेमाल करके आपको किस तरह इस वेबसाइट का आर्टिकल बनाना सिखाऊंगा भी है, तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। तो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आर्टिकल अभी इस पर एक और क्लास इंशाल्लाह मैंने लेनी है, उस पर मैं आपको खुद आर्टिकल किसी वेबसाइट के बिना आप आर्टिकल किस तरह लिखेंगे, मतलब ये आर्टिकल तो वो के चले आप गूगल से करीबन आपको अप्रूवल मिल जाएगी है, तो उसके बाद वो वेबसाइट आप 40 से 50 की सेल कर सकते हैं 50,000 की। देखिए ये चीज़ आप इसमें एक्स्ट्रा फ्री में सीख गए, उसके अलावा आर्टिकल आप फाइवर अपवर्क आर्टिकल आप सेल करें, मतलब ये छोटे छोटे बिजनेस लाजमी ये भी साथ करें। अभी आप आर्टिकल लिखना सीख चुके हैं एआई टेक्नोलॉजी के जरिए, अब आपका काम बनता है कि आर्टिकल भी आप सेल करें, फोकस करें कि फाइवर पे भी आप अकाउंट बनाएं, आर्टिकल राइटिंग आप सेल करें, आर्टिकल वगैरह ये चीज़ें हैं। 20,000 से 500 अल्फाज का आर्टिकल दे रहे हैं, आप यहाँ लिखे 5,000 करीबन अल्फाज का आर्टिकल आपको 100% यूनिक देगी, तो गोरे आपको देंगे 20,000, तो करीबन 20,000 डॉलर देके किस तरह उन्होंने आर्टिकल से कमाए हैं, एक नहीं हज़ारों में पाकिस्तानी भी कमा रहे हैं। अभी यहाँ से देखे वो कीवर्ड कह रहे जो ये लंदन है, लंदन आपने हटा देना, हम पूरी दुनिया सर्च करने वाले हैं। तो हमारा आर्टिकल कौन सा है, यहाँ से मैं आर्टिकल आपको एआई टेक्नोलॉजी के जरिए बनाना सिखाऊंगा। पहला जो मेथड आप उससे फॉलो कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे मेथड आप उसको फॉलो करें हैं, जरूरी नहीं आप इस वेबसाइट में घुस जाए आपको जो इजी लगे है। पहली वेबसाइट इजी है वैसे क्योंकि उस पर, लेकिन ये दूसरी वेबसाइट पर देखिए आप खुद बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपने आपके जहन में कोई टाइटल आया आप उस पर बना सकते हैं, अभी आपके जहन से टाइटल किस तरह आना चाहिए, रेस्टोरेंट पर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, ये रेस्टोरेंट मैंने कॉपी किया, तो सबसे पहले एक टाइटल की जरूरत है, टाइटल आपको मैंने सिखाया इसी वेबसाइट पे आप बना सकते हैं, आपके डिज़ाइन में कोई भी टाइटल आते हैं, ट्रेडिंग की अगर कोई भी आप न्यूज़ लेकर वो बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस पे रेस्टोरेंट पेस्ट कर दिया, तो ये देखिए है, अभी ये गूगल मुझे सर्च करके कीवर्ड बताएगा कि किस पर ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन आपने हाई पे नहीं है 20 बार घुसना है। तो अभी ये देखिए ये गूगल, ओ माय गॉड, मतलब कि इतना ज़्यादा पैसा रेस्टोरेंट, मतलब कि इस पे आपको मैंने इस पे लाजमी आप आर्टिकल लिखे रेस्टोरेंट पे, मैं कहता हूँ 10-12 इस पे तो मैं खुद लिखने लगा लो, और उसके बाद 1,10,00,000 से 1,00,00,000 रिजल्ट है गूगल पे जो डेली बेस पे सर्च कर रहा है इस आर्टिकल इस कीवर्ड को। तो पहला हमने इस कीवर्ड को कॉपी किया, इस वेबसाइट का ये फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि आर्टिकल कौन सा चलेगा, आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाएगा। ये मैंने एक कीवर्ड, ओ मैंने नेक्स्ट पे नहीं क्लिक करना, हाँ ये मैंने स्पेस दे के एक कीवर्ड अपना रेस्टोरेंट इस पे पेस्ट किया। अभी जो दूसरा देखे ये भी 1,000,000 से 1,00,00,000, यहाँ तो सारे लो है,
मतलब कि ये जो चीज़ मैंने पहले ही देखी है यार वीडियो में, मुझे समझ आई ये जो चीज़ रेस्टोरेंट पे तो लिखने चाहिए आर्टिकल है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब कि इसके पे कंपटीशन लो, इतनी ज़्यादा वेबसाइट इस पर नहीं है, है और इस पर आपको पैसे एक एक विजिटर पे आपको कितना देना, लो बजट देख सकते हैं $5 आपको करीबन $0 से या $66 से $5 इस कीवर्ड पे आपको मिलेगा अगर आप ये कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो। ये मैस्कर फूड आप इस्तेमाल करते तो इस पर इतना मिलेगा, ये इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब इन चीज़ों पे फूड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और रेस्टोरेंट की चीज़ों पे, तो इन पे आपने कोशिश करना आर्टिकल। ये देखें हमने एक कीवर्ड कॉपी किया, ये दूसरा भी हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से ये आ गया, ये दूसरा भी कॉपी किया जो इसे मैंने कीवर्ड अपने देने हैं। यहाँ से आप कोशिश करें कि ऐसे आपने एक नुक्ता डाल देना है जैसे आप डालते हैं इस पेज देखे, ये दूसरा भी मैंने इस पे कर दिया है। तो अभी हम जबाते हैं फिर से हैं, तो यहाँ से कोशिश करें कि 5-6 कीवर्ड ले ले। अभी कीवर्ड क्या चीज़ है, फोकस कीवर्ड ये है जो गूगल पे आपने सर्च किया। अभी जब अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह कहीं आर्टिकल भेजते हैं वो आपको बोलेंगे कि 7 फोकस कीवर्ड मुझे चाहिए, आपने यहाँ से उसे ये चीज़ दे दी है। ये देखें लो, इस पे लो कंपटीशन का मतलब है इस पे कोई भी नहीं अपलोड करने वाला गूगल पे, इसलिए इस पे पैसा भी गूगल थाना डाला दे रहा है इस कीवर्ड पे गूगल। फास्ट फूड आगे पता नहीं क्या छुपा हुआ, लेकिन यहाँ से जब आप इसे क्लिक करेंगे ये ऊपर नज़र आ जाएगा आपको, है यहाँ से आप कॉपी करेंगे आपको फुल ये कॉपी करके देगा कीवर्ड है। तो इस पे गूगल के मुताबिक इस पे कंपटीशन इतना है कि कोई भी नहीं अपलोड करने वाला है, 0% कोई इस पे आई नहीं है जो इस करीबन परसेंटेज को कैप्चर कर सके, और इस पे आपको पैसा बहुत ज़्यादा गूगल कह रहा है कि मैं दूंगा है। जितने भी लोग इसका मतलब कि जितने भी लोग यूट्यूब पर भी फूड की वीडियो बनाते हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिले, आर्टिकल भी आप फूड पर अच्छे हासिल लिख सकते हैं आर्टिकल, तो इस पर फूड का लाजमी आपने कैटेगरी बनानी है। तो इस पर ये देखिए कितना ज़्यादा आपको दे रहा है गूगल है, बहुत हाई कंपटीशन और लो और है, मतलब कि बहुत ज्यादा पैसा इस पे है। ये ट्रैफिक देखें 10 लाख से 1 करोड़ ट्रैफिक होगा आपकी करीबन मंथली बेस पे है, ट्रैफिक है गूगल के मुताबिक इन कीवर्ड पे। तो इसमें से करीबन आपके अगर 2 लाख ट्रैफिक आराम से, 1 करोड़ ट्रैफिक है, 2 लाख भी अगर आपकी वेबसाइट कवर कर लेती है ट्रैफिक तो आपके एक आर्टिकल पर 2 लाख ट्रैफिक एक आर्टिकल पे मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं इन 2 कीवर्ड को हमने लिया, आप कोशिश करें कि 3-4 अलग और कीवर्ड ले ले हैं, मिसाल के तौर पर अभी ये फास्ट फूड वाला है, ये वाला भी मैं ले लेता हूँ है। इस तरह आप कोशिश करेंगे ज़्यादा भी इतने भी ज़्यादा दे लीजिएगा कि गूगल आपको ये ना समझेगा, क्योंकि एक करीबन आप कोशिश करें अगर आप लिख रहे हैं मतलब कि हैं उस पर आप मेरा दिल है इस पर मैंने नेक्स्ट क्लिक कर दिया था एक बार, यहाँ से वो हाई पूछ रहे ठीक है सर ये आ गया है। ये देखिए वो कह रहा है कि आप किस जबान में आर्टिकल अपना लिखना चाहते हैं, ये वाली वेबसाइट है, ये आपको जबान भी दे रही है, आप जर्मन में लिख सकते हैं, इटली, अभी आप फाइवर फ्रीलांस कहीं भी आप आर्टिकल सेल करते हैं तो गुजर गोरा बोलेगा आपको ये वाला आर्टिकल लिख के दे, तो आप उनको भी बेच सकते हैं, ये लाजमी मैं बता रहा हूँ ताकि साइड से भी आप इनकम कर सकते हैं आर्टिकल सेल करके। तो ये देखिए ये कह रहे हैं किस हम इंग्लिश में आर्टिकल लिखेंगे, तो इस पर हमने कीवर्ड भी अपने दे दिए हैं, तो ये एक ही ना कीवर्ड समझे तो इसलिए यहाँ हमने डाल देते हैं ऐसे। तो कोशिश करें कि 3 कीवर्ड से ज़्यादा ना आप एक आर्टिकल पे कीवर्ड रखें हैं, एक ही चीज़ को आप फोकस करें हैं। तो मेरा दिल है मैं एक ही कीवर्ड लिखता हूँ रेस्टोरेंट की फोकस करूँ, बहुत है ट्रैफिक, ये आपने जल्दबाजी नहीं करनी कि यहाँ ज़्यादा लिख दीजिए, बेशक 3-3 लिख दिए 2-2 लिख दिए, लेकिन एक ही कीवर्ड को आपने कॉपी यहाँ आके आपने 2 चले हम भी अपलोड कर देते हैं, ये एक फास्ट फूड वाला भी हम इस पर ऐड कर देते हैं ऐसे, यहाँ ये ऐसे निशान डालना है कामा का है ये वाला निशान, तो ऐसे कोशिश करना कि ज़्यादा कीवर्ड नहीं आप ले गूगल से, तो इससे ये होगा कि आपकी पोस्ट रैंक की बजाय गूगल रोक देगा, क्योंकि ये जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट है वो 1-2 ही कीवर्ड कॉपी रखती है, ज़्यादा नहीं, ये नहीं ये सारी अगर आप कॉपी करेंगे लालच करेंगे कि ज़्यादा विजिटर इस पर है, तो इस पर यह कि आप 20-30 आर्टिकल लिख सकते हैं इन चीज़ों पर हैं, ज़रूरी नहीं है आप इन चीज़ों पर 20-30 आर्टिकल लिख लें, जरूरी है कि करीबन आर्टिकल पर आप 20-30 कीवर्ड देंगे, ये अच्छी चीज़ नहीं होती और गूगल इससे समझ जाता है कि आप ट्रैफिक के लिए करें। अब ये कह रहे हैं कि करिए जो करीबन आपका हम टाइटल जनरेट करें हैं, एक पॉइंट मैंने पहले ज़ाया कर दिया था, तो ठीक है तो अभी ये हमारा टाइटल जनरेट करेगा, ये देखें हैं वो कह रहा है कि जनरेट टाइटल है, तो टाइटल आपने जनरेट करना है या आपने लिखा हुआ, अगर आपने आपके दिमाग में कोई टाइटल चल रहा है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके अपना टाइटल ले सकते हैं, अगर आपने जनरेट करना है तो आपका एक ये वाला कॉइन ख़त्म हो जाएगा, 9 की जगह 8 हो जाएगा, ये देखें अभी 9 है, अभी यहाँ 8 होने लगे है, ये हमें जनरेट कर, ये देखें इसने कितने अच्छे अच्छे हमें जनरेट करके टाइटल दिए हैं, तो
ये हमारे पास ऑलरेडी थी, मैंने ये हमने ऐसे जाए कि हमने ऑलरेडी दे दिया था टाइटल, तो ये देखिए टाइटल हमें इसने दिए हैं। ये मतलब कि हमने ये वाला टाइटल उठा के आए थे, अभी ये हमें अपने टाइटल दे रहा है कि इनमें से कोई टाइटल आप रख सकते हैं, क्योंकि वो किसी और वेबसाइट का था, आपका टाइटल नहीं, हम इनमें से ये वाला सेलेक्ट करते हैं। अभी ये कह रहा है कि इंट्रो है, मतलब जनरेट इंट्रो पे दो लगेंगे कौन, अभी हम इंट्रो पे क्लिक करते हैं तो ये पैराग्राफ जनरेट करेगा। इंट्रो आर्टिकल का लाजमी हिस्सा होता है, जैसे मिसाल के तौर पर इस आर्टिकल का इंट्रो कौन सा, ये वाला देखें, उसके बाद पहला पॉइंट शुरू हुआ है, हाइडिंग इसके बाद शुरू हुई, ये होता है इंट्रो है, ये लाजमी आर्टिकल का होता है। आर्टिकल इस तरह लिखे जाते हैं, मतलब कि ये न्यूज़ की तरह नहीं होता, ये काफ़ी ये लेफ्ट है। अभी ये लेकर काफ़ी ज़्यादा इसने इंट्रो हमें दे दी है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें इंट्रो है, तो अब रीड करके कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सारे इसने रेस्टोरेंट पर ले। उसके बाद ये हमारे के पास पॉइंट एक कमी हो जाएगी, एक पॉइंट हमने ऑलरेडी क्योंकि आर्टिकल पे 10 पॉइंट चाहिए हो गए और एक पॉइंट हमने लगा दिया ऑलरेडी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको तरीका कर बताता हूँ। तो ये देखें अभी इसने कितने पॉइंट दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत ज़्यादा इसने पॉइंट दे दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये आर्टिकल हमारे बहुत बड़े बड़े आर्टिकल बनेंगे, 25-25 अल्फाज पर भी ये आर्टिकल हम करीबन यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखें ये वाला मैं पहला आर्टिकल, ये यस प्लीज़, यहाँ वो हमारे बोलेगा कि आपके सारे पॉइंट ख़त्म हो गए, मतलब कि यहाँ से आपके सारे पॉइंट जो ख़त्म हो गए हैं। तो एक मिनट, ये मैंने, हाँ ठीक हो गया है, वो कह रहा है आपके सारे पॉइंट ख़त्म हो गए हैं, 5 पॉइंट 0 पॉइंट हो गया, इतना इसने आर्टिकल लिखा, जबकि हमारा आर्टिकल इसने आधा छोड़ दी है, मतलब कि ये देखे आधा इसने छोड़ दिया, यहाँ से इसने कुछ लिखी नहीं है, यहाँ इसने कुछ लिखने की जहमत नहीं की, क्योंकि ये हाँ ये इसने कुछ और लिख दिए पॉइंट, ये इसने देखे कितने ज़्यादा आर्टिकल हमारे छोड़ दिए हैं। तो इस पर ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, बड़ा आर्टिकल हो गया है। तो एक मिनट, हाँ ठीक है, तो मैंने कॉपी कर दिया था, ये बेस्ट किया था। ये 5, क्योंकि दो बार मैंने इसे लिखवा दिए आर्टिकल, तो इसने अलग अलग लिख दिया। तो चलें करीबन अभी आपने पता क्या करना है कि सबसे पहले इस टाइटल को आपने कॉपी करना है। अभी ये देखिए खुद आपने आर्टिकल बनाया रेस्टोरेंट पे, जिस पे आपने अभी दूसरा हम न्यू पोस्ट पे क्लिक किए, अभी देखिए फिर से हम आर्टिकल बनाने लगे हैं। इस बार हमारा जो आर्टिकल है बड़ा बड़ा यूनिक होने वाला है, ये देखिए ये हमारा टाइटल जो करीब 100% हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका पैराग्राफ हमने ये इसका पैराग्राफ उठाया, दूसरी वेबसाइट का, यह पहली वेबसाइट पर आपको जल्दी जल्दी आर्टिकल मिल जाता, लेकिन वो ये होता कि आप अपने करीबन आपको मिल गया वो भी बेस्ट है जल्दी जल्दी आपको मिल जाता है 1000, लेकिन दूसरी पे ये है कि अगर आप टारगेट करना चाहते हैं मार्केट को, 91 बिलियन की मार्केट, अगर आप इसको टारगेट करना चाहते हैं, ये देख सकते हैं किस तरह मैंने इनको टारगेट किया है रेस्टोरेंट का, यहाँ से कीवर्ड खुद ही बता रहा हूँ, खुद ही ये तमाम चीज़ें लिखवा रहा हूँ, जैसे अपने हाथों से लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ये वेबसाइट लिख के दे रही है। तो ये देखें इसने कर दिया है, तो अभी इस तरह आपको आ जाएंगे आपके पॉइंट जब ख़त्म हो जाते हैं उस वक्त आप क्या करेंगे, क्योंकि इसने आर्टिकल हमारा कंप्लीट नहीं लिखा, देख सकते हैं आधा आर्टिकल है, इस पे इसने कोई पॉइंट नहीं दिया, स्पेस ने कोई पॉइंट नहीं दिया, ज़्यादा लिखी नहीं है इसने, इसने हमें 8-10 लिख के दे दिया, लेकिन हम जितना लिखा हम उसका तो इस्तेमाल करें हैं, ये हमने इस्तेमाल किया। इसके बाद ये जितने भी पॉइंट है मैंने कॉपी कर लिए, तो इसने थोड़े सारे पॉइंट अभी ये हो गया तो मुझसे हुआ है, आपको नहीं ये इशू आएगा है कि ज़्यादा मैंने दो बार वहाँ से आपको पता बैक चला गया था फिर वहाँ जाके, अभी ये मैंने सारे पॉइंट इस पर अपलोड कर दिया, ये देखे इन पर हमें सारे पॉइंट मैंने इस पे अपलोड कर दिए। अभी देखिए मैं आपको कमाल दिखाता हूँ, इसी वेबसाइट का सबसे बड़ा स्कैम करके दिखाते हैं इस वेबसाइट के साथ, इस वेबसाइट को हम फुदू लगाएंगे, मतलब हम भी तो अभी पाकिस्तानी हैं, पैसा तो देंगे नहीं, फुदू लगाएंगे इस वेबसाइट को। तो अभी ये देखिए इसने हमें बस इतना सा लिख के दिया, इसने भी अभी हमें धोखा दिया कि क्योंकि जरा, तो ये जो नीचे इसने लिख के दिया मतलब ये आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये भी हम न्यू लिखवाएंगे। अभी हमने यहाँ से ये देखें ये अकाउंट हमने यहाँ से करना है, इस पर क्लिक करना माई अकाउंट पर, इस वेबसाइट को भी हम फुदू लगा रहे हैं, पाकिस्तान किसी को नहीं ये गेम समझ आएगी जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से आपने साइन आउट पे क्लिक करना, इस अकाउंट को आपने परमानेंट के लिए हटा देने हैं। तो अभी आपने फेक ईमेल पे जाना है, फिर से यहाँ से 8040 लिख दिया, ये मैंने ईमेल कॉपी किया, ये देखे कितनी जल्दी इसका अकाउंट मिल जाए। इस वेबसाइट का भी हमारा काम है फुदू लगाना, तो ये हमने पेस्ट किया है,
तो इसके अलावा अभी तकरीबन ये हमने पासवर्ड भी लिखा हुआ था, ये हम पासवर्ड भी यहाँ से पेस्ट करते हैं। ऐसे मिसाल के तौर पर देखें मैं इस वेबसाइट को किस तरह फुद्दू लगाने लगा, ये मैंने क्रिएट किया। अभी ये चीज़ आपको कोई भी नहीं सिखाएगा क्योंकि ये चीज़ें आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, ये चीज़ें मैंने बनाई है, आपको यकीन नहीं आएगा। मतलब ये तमाम चीज़ें मैंने खुद ही बनाई है, आपको नहीं इस चीज़ को कोई समझ आएगी। मतलब कि इंटरनेट पे आपको इन चीज़ों के इस वेबसाइट का इस गेम के बारे में आपको समझ नहीं आएगी। लोग बोलेंगे कि बस ये छोटा सा आर्टिकल है, दूसरी वेबसाइट का जिक्र करेंगे, लेकिन मैंने गेम ये खुद ही बनाई, बड़े समझ के मैंने इस वेबसाइट पे ये गेम बनाई। अभी देखिए सबसे पहले मैंने इस वेबसाइट को फिर से एक्टिव किया, अकाउंट एक और नया अकाउंट बनाया। अभी इस अकाउंट की मदद से मैं देखेगा कितना बड़ा आर्टिकल अपना जनरेट करता हूँ जो मेरा दो। अभी फिर से इसने देखकर 10 पॉइंट दे दिए। अभी मैंने क्रिएट किया क्योंकि मैंने पहली जो चीज़ अभी मैंने लिखा ली थी, इससे मैंने जो पहले अकाउंट से लिखी थी ये चीज़ें इसने दी थी, इसने ये चीज़ें मुझे नहीं दी थी। अभी मैं देखें इसका इस्तेमाल कितना बड़ा करने लगा हूँ, मतलब कि अपना आर्टिकल कितनी जल्दी रैंक करवाने लगा हूँ। अभी यहाँ जो टाइटल है, टाइटल पे आपने ये वाला टाइटल देना है, मतलब जो जो पॉइंट इसने नहीं थे लिखे, मतलब इस पॉइंट पर इसने मुझे लिख के कुछ नहीं तो दिया, ये वेबसाइट कह रही थी कि पैसे दो फिर लिख के देंगे, तो ये पॉइंट दिया है फोकस कीवर्ड। अभी मैं यहाँ से 2-3 और कीवर्ड ले लेता हूँ, मतलब कि अभी ये देखिए आर्टिकल के अंदर यहाँ से मैं कोई भी ले लेता हूँ, ये एक और कीवर्ड मैंने ले लिया है, तो इसमें ये एक आर्टिकल में ये भी थोड़ी सी ऐड कर लेगा है, तो इससे प्रॉफिट बड़ा ज़बरदस्त होगा मुझे। तो अभी यहाँ तो ये डिस्क्रिप्शन कर ये देखे है, अभी वो कह रहा है जनरेट। अभी आपने यहाँ से इसे ऐसे क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ भी आपने ये चीज़ अपलोड कर, नहीं 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 मैं थोड़ी से आपको मिस्टेक कर गया हूँ, ये आपने क्लिक करना। अभी ये देखें सबसे पहले आपने टाइटल को दोबारा क्लिक करना है, टाइटल पे क्लिक करना है आपने, ये यहाँ से मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, ये टाइटल आपने पेस्ट करना है यहाँ अबाउट के, टाइटल आपने पेस्ट किया। उसके बाद फोकस कीवर्ड पे आप कोई भी यहाँ से एक और कीवर्ड ले लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा यहाँ से एक और जिस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, ये लो है, मतलब कि अभी मैं ये चीज़ भी फोकस कर रहा हूँ रेस्टोरेंट पे, मतलब वहाँ तक किसी कोई भी नहीं है मुकाबला करने वाला, कंपटीशन बहुत हाई है या लो जा रहा है। ये लो का मतलब कि कोई वेबसाइट ही नहीं है जो रेस्टोरेंट पे आर्टिकल पर, गूगल बहुत ज़्यादा पैसे इस पे दे रहा है और गूगल इस पे बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा है, इस पे एडवर्टाइजमेंट गूगल के पास बहुत ज़्यादा, आप लाजमी इस पर लिखिएगा फूड पे। तो ये मैंने टाइटल किया, ये मैंने फिर से यह टाइटल यहीं देना है आपने, कुछ ये चीज़ ये जो टाइटल है आपका। अभी इस वेबसाइट को हम खुद लगाते हैं, अभी ये यहाँ कह रही है कि जनरेट करीबन टाइटल है, या आपने अभी जनरेट टाइटल पर नहीं क्लिक करना, आपने बोलना जो मेरे दिमाग में है वो मैंने लिख देता हूँ आपको, आपके दिमाग में कौन है जो था इसने आपको हिस्सा लिख के नहीं दिया, आपने ये इस हिस्से को कॉपी करने हैं, तो आपने ये यहाँ पेस्ट करना, ये आपके दिमाग में। अभी आपने नेक्स्ट करना है, वो पूछेगा कि इंट्रो है, आप इंट्रो को रहने दे है क्योंकि इंट्रो नहीं हमें चाहिए है, इंट्रो हमें चाहिए है, आप जनरेट इंट्रो आप क्लिक कर लें, ये देखिए पैराग्राफ हमारा जनरेट करेगा टाइटल के बाद आकर आपसे पैराग्राफ ये जनरेट करेगा। ये देखिए इसने ये जनरेट किया, कितना अच्छा जनरेट किया। अभी ये जनरेट अभी आपसे वो बोलेगा ऑनलाइन, यहाँ आपने क्लिक करना है, इस पर नहीं आपने कभी भी क्लिक करना जनरेट, आपने इस पर क्लिक, ये देखिए जो चीज़ उसने नीचे इसने लिख दी। अभी ये राइट मोर, अभी क्योंकि अच्छा आर्टिकल हमें करीबन कम से कम 1000 वर्ड ये देखें लिखना शुरू कर दिया इसने आर्टिकल, राइट मोर हमारे पॉइंट क्योंकि इस बार ज़्यादा हैं, ऊपर 6 पॉइंट अभी भी पड़े हुए हैं। राइट मोर ये कि दो अकाउंटों को मैंने किस तरह इस्तेमाल करके ये तरीका कोई भी नहीं सिखाता, ये मैंने बनाया तरीका, आपको समझ आप भी बोलेंगे बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये देखिए मैंने इससे अच्छा हासा लिखवा लिया, अभी ज़्यादा भी नहीं लिखाना क्योंकि हमारे पास इस वक्त ये आर्टिकल बहुत बड़ा भी नहीं, हम लिखेंगे गूगल के मुताबिक इतना आर्टिकल आप लिखो कि जितना करीबन इतनी हम कॉपी करेंगे। अभी आप सोचेंगे कि हमें फिर से, अभी आपके दिमाग में चलेगा कि यार हमें फिर से अभी अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे कि हमें फिर से अकाउंट बनाना, नहीं नहीं अभी आपने फिर से नहीं अकाउंट बनाना, ये देखिए इस पे इस वेबसाइट का ये मैंने कॉपी किया, यहाँ ये आपने लाजमी ओपन कर लीजिएगा कंप्यूटर पे अगर आपके कोई भी है, ये मैंने पेस्ट किया। अभी यहाँ मैंने ऐसे कुछ भी लिखा, फिर यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ये अभी मैं फिर पेस्ट करता हूँ, ये देखिए दिया आ गया क्योंकि वो लंबा दे रहा था ये है। अभी यहाँ से आपने इसे पैराग्राफ पे क्लिक करना है, ये पैराग्राफ पे, तो अभी यहाँ से आपने इसे नॉर्मल क्लिक करना है,
तो क्योंकि ये गारा बहुत आ रहा है, मतलब कि अभी यहाँ से इसको हम साइज का देंगे समान नॉर्मल कर देंगे, यहाँ से इसको फॉन्ट हम देंगे वही फॉन्ट देंगे जो ऊपर है फॉन्ट, यहाँ से आप फॉन्ट देख लीजिएगा कि ये भी फॉन्ट दूसरा हो गया, यहाँ से फॉन्ट आपने बड़ा सिंपल सा देना है आपने फॉन्ट, ये वाला फॉन्ट ठीक है, तो जो ऊपर वाला उसको भी थोड़ा यही फॉन्ट दे दीजिए, ये आ गया, ये थोड़ा गाढ़ा नजर आ रहे हैं। हाँ ये था, मैंने भी कहा कि ये बी पे निशान होगा इसलिए गाढ़ा, ये बी पे निशान है, मैंने भी कहा ये गाढ़ा क्यों नजर आ रहा है। तो ये देखिए अभी मैंने इससे दूसरा भी करें, अभी आप बोलेंगे कि आपको फिर से अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये यहाँ से आप जल्दबाजी करें, नहीं इस बार आपने अकाउंट नहीं बनाना, इस बार आपने यहाँ नहीं क्लिक करना, इस बार आपने यहाँ क्लिक करना, ये निशान देख के अगर आपको नहीं यहाँ नहीं बढ़ाएगा, ये निशान ये बैक जाने वाला निशान, इस बार आपने बैक पे क्लिक कर देना कोशिश, ये देखिए 10 पॉइंट आपको फिर मिल गए, मतलब आपने आर्टिकल कॉपी की ही नहीं है इस वेबसाइट को, आपने ये फुद्दू लगाया है, हमने बनाया अभी देखे फिर से अभी अकाउंट नहीं बनाया, अभी हम अगले पॉइंट को भी कंप्लीट करते हैं, तो ये हमने टाइटल उसी तरह, ये हमारा टाइटल, अभी यहाँ एक और आप कीवर्ड यहाँ लगा दें, लेकिन कोशिश करेंगे कम से कम 7 कीवर्ड लगाएं, ज़्यादा ना कीवर्ड लगाए हैं, यहाँ से आप एक और कोई भी कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम कोई नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लालच नहीं भी करनी है आपने, है एक ही आर्टिकल पर 10-10 कीवर्ड नहीं आपने लगाना शुरू कर देने, थोड़ी सी कीवर्ड रखने हैं, तो इस बार हम रेस्टोरेंट का कीवर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसे अगर ना भी इस्तेमाल करें यहाँ से आप नेक्स्ट जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसका ये इस्तेमाल करेंगे रेस्टोरेंट सेटअप, ये कैसे ये पैराग्राफ लिखने में बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए अभी मैंने अकाउंट नहीं इस बार बनाया, इस पर अभी ये आ रहा है टाइटल जनरेट है, जो यहाँ आपने कहना मेरा टाइटल है तो मेरे पास टाइटल है, तो आपका टाइटल कौन सा है ये वाला है, ठीक हो गया आपका टाइटल है, क्योंकि हमने पहले आर्टिकल हम पूरा अपना जनरेट करवाएंगे एक पूरा, ये हमने टाइटल लिया, अभी कह रहे कि इंट्रो आपने बनना जनरेट इंट्रो, फिर से आपके 2 काटेगा कोई है, तो यहाँ आपके देखे 7 हो जाएगा, अभी ये दूसरे अकाउंट का हम एक इस्तेमाल कर, यहाँ से आपने कोई भी पढ़ के रीड करके आप इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन कोई सारे इसने बेस्ट लिखे हुए हैं, कोई ये वाला मुझे अच्छा लगे एक आगे चला गया ठीक है, यहाँ ये पूछेगा कि आपका के सब हाइडिंग आपने देनी, अभी आपने सब हाइडिंग नहीं देनी, जब आप ये जी लिए ये देख के मेरा इसने ये भी रेडी, अभी मोर जनरेट पे क्लिक करके इसको बड़ा अगर आपने करना है तो बड़ा आप कर सकते हैं, मोर जनरेट पे अगर आप ज़्यादा लंबा ये रखना चाहते हैं या ये ज़्यादा लंबा रखना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं, यहाँ से और लिख सकते हैं, यहाँ से कॉपी इस तरह ऐसे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन गूगल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप पॉइंट दे रहे हैं ज़्यादा पॉइंट इस पर हो गया, क्योंकि ये देख सकते हैं आप इस पर ज़्यादा पॉइंट हो गया, अगर इस पर 5 पॉइंट होते हैं फिर मैं करीबन थोड़ा सा यहाँ इतना कॉपी करता थोड़ा सा इससे और लिखवा लेता ऐसे ऐसे मोड़ क्लिक करके, 1000 वर्ड का मैंने कंप्लीट करना था है तो ये इतना मैं लिखा लेता, तो अभी भी चले मैं इतनी कॉपी कर लेता है, तो ये कॉपी किया, ये देखिए मैंने अपना तीसरा भी फील्ड गया, ये आर्टिकल ऐसा समझे कि ये बह गया, सबसे पहले आपने करीबन यहाँ से ये ओपन कर लेना आपने है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड ऑफिस ओपन कर ले फ्री में आपके कंप्यूटर में लाजमी होगा, विंडो 10 में होता है, तो ये देखे ये मैंने पेस्ट कर दिया है, अभी यार एक छोटा सा मैं लिख देता हूँ वी, अभी ये देखे क्योंकि वो लंबा दे देता है, यहाँ से ये कॉपी किया है, तो अभी अभी आर्टिकल की एक और क्लास मैं लूँगा इंशाल्लाह है, तो क्योंकि अभी आर्टिकल ही तो सारी गेम है, तो अभी ये देखे अभी ये अभी इसका भी ये बीज ये आ गया बराबर, ये देखे कितना बस इतनी सी गेम थी, अभी ये देखे अभी तीसरे पॉइंट की हम बढ़ेंगे, अभी यहाँ से फिर से आप भूल ना जाए, ये देखे अभी फिर से आप वही गलती ना कीजिएगा, यहाँ से आपने सेव पे नहीं क्लिक करना, यहाँ से आपने अकाउंट बंद नहीं करना कि नया बनाओ, नहीं 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 ये दूसरा अकाउंट आपने ऐसे करना, फिर से बैक चले जाना, ये देखे ऊपर मेरी तीर का निशान देखे, ये तीर पर आप देखे यहाँ से मैं बैक क्या हूँ, ये मैंने बैक पर क्लिक किया, ये 10 पॉइंट मुझे फिर मिल गई, क्योंकि जब तक मैं सेव नहीं करता तब तक मेरे पॉइंट ज़ाया नहीं होंगे, जो पहले अकाउंट में थे वो लाजमी ज़ाया होंगे, जब पहली बार आप आर्टिकल लिखेंगे, जब दूसरे करीबन आप बीच ये लिख रहे हैं तब नहीं आपका ये काटेगा, क्योंकि ये आपने सेव नहीं किया, फिर मैं चला गया, ये देखिए जो चीज़ें इसने मुझे नहीं थी, अभी लोग यहाँ लॉक कोड पिया इस वेबसाइट, अभी ये वेबसाइट सुपर वेबसाइट है, मतलब जो पहली वाली वेबसाइट से भी बड़ी सुपर वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है, ये अपने नाम याद रखना इस वेबसाइट का है, तो इस पर यह है कि जो लोग अभी जिनके दिमाग चलते हैं, जो लोग अभी गूगल का ट्रैफिक लेना चाहते हैं, ये वाला ट्रैफिक जो लोग लेना चाहते हैं गूगल एड्स का, आह
वो इस वेबसाइट का इस्तेमाल करें। जो लोग ठीक है अप्रूवड करवा के आगे एक और तरीका मैं बताऊंगा उस पर काम करना चाहते हैं तो वो पहला वाला वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन शुरू में आप पहली वाली वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी अच्छा खासा हो, लाखों की तादाद में विजिटर भी मैंने वेबसाइट पर लेने हैं क्योंकि अच्छी खासी इनकम, यूरोपन पूरा कवर करना, मैंने SEO गेम है ये, डेटाबेस की गेम मैं आगे समझाऊंगा, अभी बनाना है वो, ये SEO का ट्रैफिक मैं लूँ, ये जो जो ट्रैफिक गूगल बता रहा है इस पर मैं हाथ डालूँ, तो फिर आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करें। यार टाइमिंग लगता है ये कह सकते हैं, मुझे टाइमिंग लग रहा है काफ़ी, तो लेकिन ये है कि इस पर कवर कर रहे हैं हम सारा आर्टिकल है। तो अभी हमारी लाइन नंबर 3 आ जाती है, ये जो हमारे टाइटल कॉपी किया था ये देखे, इस पर कॉपी किया, अभी फिर से ये देखे, ये हमारा आर्टिकल का टाइटल लिखा हुआ है, इस पर आगे का यहाँ कीवर्ड आप सेट कर सकते हैं, तो यहाँ हम रेस्टोरेंट रखते हैं, यहाँ से वो पूछेगा कि टाइटल आप, फिर बटन मेरे पास है, टाइटल कौन सा आपके पास है, ये वाला आपके पास है, ये जो पॉइंट आपने दिए हुए थे सब हाइडिंग, ये आप टाइटल इसे बताएं कि ये मेरे पास टाइटल है। देखिए लोग यहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप बिना पैसों के देखे कितना बड़ी गेम कर रहे हैं, यहाँ से वो कह रहे हैं इंट्रो, बिल्कुल इंट्रो जनरेट कीजिए है, तो बार बार पीछे चले जाए, यहाँ से फिर से पीछे चले जाएगा लिख के है, ये हमारा इंट्रो जनरेट करेगा जो हम लगाएंगे है। देखिए पूरा आर्टिकल किस हमारा इंटरनेशनल बन रहा है, ये तरीका तो वो भी नहीं समझाते, बड़े बड़े जो करवा रहे हैं समझाते वो भी नहीं ये चीज़ें समझा पाएंगे आपको है। कॉपी करना भूल गया था, इस पे नेक्स्ट किया, तो यहाँ से अगर बस आप इतनी कॉपी करना चाहते हैं ठीक है, अगर आप कहते हैं नहीं हज़ार लफ्ज़ों का मैंने बताना क्योंकि ये तो पॉइंट इसने काफ़ी ज़्यादा दे दिए ना, तो यहीं तो हज़ार हो जाएगा है, तो इसलिए आप इतना, अगर आपके ज़्यादा पॉइंट, अगर आपके कम 5 पॉइंट है तो फिर आप यहाँ से मोड़ राइट मोड़, क्योंकि आपके ऊपर पॉइंट पड़े हुए हैं अभी 7-8 है, यहाँ से आप ज़्यादा लिखवा सकते हैं इससे है, तो इतना आप मोड पे करेंगे कि ये ज़्यादा लिख देगा, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं इतना। ये मैंने फिर कॉपी किया, फिर इसने आपने ये ऐसा कोई भी कंप्यूटर पे आपके होगा माइक्रोसॉफ्ट का है, वर्ड प्रोसेस के लिए बना होगा आपके माइक्रोसॉफ्ट का फ्री होता है, तो ये देखे या मैंने पोस्ट किया, या मैंने HH आगे लिख दिया वैसे ताकि ये सोचेंगे इस चीज़ की ये टेक्स्ट है, कॉपी किया और ब्लॉगर पे गई, ऊपर वाले का था ये देख के ये अपलोड कर दिया, आ गई आपको गेम समझ। अभी ये है कि आपको यहाँ समझ आ गई होगी कि इस वेबसाइट से किस तरह आपने आर्टिकल बनानी है। अभी ये टाइटल की बात, इससे आपको ट्रैफिक अच्छा मिलेगा, मतलब जो पहली वाली वेबसाइट है उस पर भी आपको ये है कि उस पर आप सेट नहीं कर रहे कीवर्ड, उस पर आप कीवर्ड नहीं सेट खुद से कर रहे, उस पर आप कुछ जनरेटिव मिल रहा है AI टेक्नोलॉजी के जरिए, लेकिन उस पर भी ट्रैफिक आपको मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने भी कीवर्ड लगाए होंगे हैं, लेकिन इससे आपको जल्दी मिलेगा। ये इस वेबसाइट का अगर आप इस्तेमाल करें, दिमाग वाले लोग समझ जाएं, इस वेबसाइट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छे बड़े 91 बिलियन का ट्रैफिक खा रहे। मैं तो ज़्यादातर ये इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ, तो ये है कि टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, तो ये कि परमानेंट इन्होंने कौन सा एक दिन आर्टिकल ने चलना, ये आर्टिकल अभी पूरी ज़िंदगी लोग सर्च करेंगे इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट, तो ये पूरी ज़िंदगी आपका चलता जाएगा आर्टिकल, ये कोई न्यूज़ थोड़ी है जो एक ही बार सर्च करेगा तो एक ही बार आएगा। अगर गूगल पे आपके पेजों पे आपकी वेबसाइट आएगी तो ये अच्छे खासे आपको ट्रैफिक लेके देगा है। तो अभी हम इस पर ऐसे नहीं अपलोड करना, सबसे पहले इससे तकरीबन इसे कॉपी करना है इसको है। अभी आपने गूगल पे मोबाइल पे जाना, पिक्सल ऐप के जैसे भी आपने एक पिक्चर एडिटिंग करनी है, पिक्चर किस तरह एडिटिंग करनी है फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे आपको कोई भी नहीं समझाएगा पाकिस्तान में है। इस तरह आपने पिक्चर एडिटिंग करनी है, ये देख ले ये कहाँ से मैंने एडिटिंग किया, मैंने पिक्सल ऐप से एडिटिंग किया, मोबाइल का एक एप्लीकेशन है छोटी सी प्ले स्टोर से भी आपको मिल जाएगी, वहाँ ये तमाम सब चीज़ें वहीं से एडिटिंग किया, कोई भी इस पर मैंने एक्स्ट्रा, ये मैंने पीछे तकरीबन फूड की एक पिक्चर ली है तो ये आप देख सकते हैं, ये उसके बाद ये काला ये मिल जाता है पिक्सल ऐप पे फंक्शन आपको, तो जब आप टाइटल लिखते हैं उसके बाद आपको आ जाता है कि मतलब बैकग्राउंड आ जाता है, ये मैंने एक लोगो ले लिया था, ये गूगल का लोगो ये भी है DSP क्योंकि रजिस्टर पाकिस्तान मिलता था, ये एक छोटा सा डब्बा आप खुद बना सकते हैं, तो यहाँ आप स्टाइलिश लिख रहे अपनी वेबसाइट का नाम, तो ऐसे कॉलर एक लाइन लगा के कॉलर बना दें तो ये सारा बन जाता है आपको सिंपल। अगर आप कहते हैं तो इस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा अगर आप कहें तो, अगर आपको नहीं पता, अगर आपके पास ये तो चीज़ आसान है सभी बना लेते हैं, आपके पास अगर अपने सॉफ्टवेयर अपनी चीज़ें हैं मतलब अपनी कोई ऐप्स है हर ऐप से बन जाता है तो आप अपने तरीके से बना रहे हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन नहीं पसंद, अपना डिज़ाइन कोई आपका पसंद है, आपके डिज़ाइन में चाह रहा है कि हाँ मैं इस तरह पिक्चर को छुपाऊँगा पीछे वाली नज़र आई इस तरह थोड़ी थोड़ी, इस तरह तो आप उस तरह करके टाइटल के साथ आपने लिखना है, ये टाइटल के साथ ये टाइटल आपने लिख देना है, ये पिक्चर आपने कौन सी है आपकी फर्स्ट पिक्चर है,
तो ये देखिए अभी ये देखो 3 पॉइंट अभी फिर मैंने यहाँ से पीछे चला गया, ये दूसरे अकाउंट पे गेम होती है, पहले पे तो आपने सेव करनी है, लाजमी उस पर तो पॉइंट जया होंगे, लेकिन ये दूसरे पे गेम है। ये देखिए इसने मुझे फिर से 10 दे दिया, ये कहता है कि 10 आपको हमने फिर से दे दिया है, ये के क्यों, क्योंकि हमने सेव की नहीं है इस वेबसाइट के मुताबिक, इस वेबसाइट को लग रहा है कि हम सेव नहीं कर रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन हम तो कॉपी करके वो लिख के दे रही है इस तरफ है, तो इस वेबसाइट को लग रहा है कि हम सेव नहीं कर रहे, तो इसलिए इस वेबसाइट को हमने बना लिया खुद। और लाखों रुपये की गेम इस वेबसाइट ये बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, और पाकिस्तान में बैन है ये वेबसाइट, क्योंकि ये 4 GB बहुत ज़्यादा, इसकी प्राइसिंग बड़ी हाई है। अभी ये इसके आर्टिकल की प्राइसिंग जो तो मिनटों में लोग भी ये पैसे दे रहे हैं। अभी देखे 1000 क्रेडिट का 29 डॉलर, 1000 क्रेडिट कितने ख़त्म है, ये जल्दी जल्दी हो जाते हैं ख़त्म हैं, तो ये देखे महीने का दे रही है, तो इस पर तकरीबन मैंने तो 50,000 क्रेडिट के फ्री में इस्तेमाल किया, जिस तरह मैंने अभी आपको गेम्स दे रही मैंने तो 49 डॉलर महीने का ले लिया। ये चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, देखें लोग ये पैसे जया करते हैं, 49 डॉलर देते हैं, फिर जाके मैंने यहाँ तो ये तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल गई, ये चीज़ आपने बैक करता है, देखो आपको 10 पॉइंट फिर से आपका आर्टिकल मुकम्मल देके बनाया मैंने, इससे भी है ये नहीं कि छोटा बनाया, ये देख सकते आर्टिकल मुकम्मल। अभी ये एक और है, ये तो पॉइंट सेम ही आ गया था, अभी ये देखे ये पॉइंट हो गया, अभी मैंने इस पर कॉपी किया, फिर से आपको फास्ट दिखाने लगा हूँ। अभी मैंने ये देखे इस पर क्लिक किया है, तो ये जो हमारा टाइटल है ब्लॉक का उसे उसी तरह रहने देना है, यहाँ कीवर्ड फिर से सेट कर सकते हैं आप, नया बस 3 से 4 आर्टिकल पे बैठ, यहाँ से वो पूछेगा कि इंट्रो आपका कौन सा, आप बोले मेरे पास है ये सेकंड बार, क्योंकि आपने पहले इंट्रो कॉपी किया है, इंट्रो कौन सा आपका, ये वाला, ये इंट्रो आपका हो क्या, ये इंट्रो आपने यहाँ नेक्स्ट, ये कह रहा है कि इसका इंट्रो जनरेट करो बिल्कुल आप, टाइटल आपको इसका जनरेट करो बिल्कुल आप, जनरेट करें इसके पैराग्राफ हैं, इस पर आपने जनरेट क्लिक करना है, नीचे जब वो करीबन इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, ये वाला अच्छा लगे, तो ये बोलता है आउटलाइन, आउटलाइन आप पे आपने बोलना है कि ठीक है मेरे पास ये, मेरे पास ये जनरेट ना करें, क्योंकि आउटलाइन ही आपने जनरेट कर नहीं सकते, आपने नेक्स्ट करना है, ये दे आ गया है आउटलाइन जनरेट नहीं हमने करनी, ये देखिए ये अभी हम ऐसे मोड पर क्लिक करेंगे ये ज़्यादा लिख देगा है, तो यहाँ तो इतना आप कर सकते हैं, और ज़्यादा भी आप ऐसे लिखा सकते हैं, लेकिन इतना बेस्ट है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 1000 वर्ड का हमने बनाने की कोशिश करनी है, कि आपने 20,000 वर्ड का नहीं बना देना, गूगल उस पर आपकी वेबसाइट को भी हटा देगा, कि क्योंकि उतना आर्टिकल बनाए जितना बंदे पढ़ने वाले घोड़े सिर्फ 5 से 6 मिनट में पढ़ ले हैं, तो यहाँ आपने डायरेक्ट अपने यहाँ देखे डायरेक्ट जब मैं पेस्ट करता हूँ ये एक लंबी लाइन बना लेता है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ लेके आता हूँ, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, फिर मैं यहाँ से ऐसे एक लफ्ज ऐसे लिख के फिर मैं यहाँ से, ये अभी क्या है, ये तो सभी को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस है, तो ये है, ये देखे अभी उसी तरह आ गया, ये देखे इसी तरह अभी हम इसका पील भी बना लेंगे, इसका भी बना लेंगे, इसका भी, फिर उसके बाद क्या है, ये पिक्चर हमने लगाई, अभी ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, कॉपी राइट इमेज आपने कहाँ से बनानी है, तो आप वो चीज़ समझ गए होंगे कि लंबी ना आपकी क्लास हो जाए तो वहाँ से आपने बनानी है, तो आपको पिक्चर आपको फिर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपने कॉपी राइट फ्री इमेज ले लेनी है, लेकिन ये वाली इमेज कौन सी है, ये पहली इमेज आपने खुद बनानी है, तो ये नीचे वाले टाइटल की इमेज आती है, अभी ये हाइडिंग इसकी ज़्यादा कीजिए, मतलब इस पर क्लिक किया, अभी ये हाइडिंग है, हाइडिंग पे आपने क्लिक करना है, साइज़ पे क्लिक करना है, मीडियम लार्ज साइज रख के ये ताकि बड़ा नज़र आए, तो ठीक है अभी हम नीचे गए, इस पर भी हमने क्लिक किया, हाइडिंग पे क्लिक किया, ये हमने साइज़ को कर दिया लार्ज, ये देखिए ये साइज़ भी हमारा बड़ा हो गया है, अभी हम नीचे चले गए, इस पर भी हमने क्लिक किया, ये पैराग्राफ है तो ये देखिए हाइडिंग है, ये इस पर क्लिक किया, ये अभी इस पर इसको भी हमने लार्ज कर दिया, आप इससे भी बड़ा कर सकते हैं करीबन, ये मैं आपको दिखाता हूँ, लार्जेस्ट भी आप कर सकते हैं, इतना भी आप रख सकते हैं, ये भी अच्छे हैं लार्जेस्ट, तो ये भी ठीक है, ये नहीं लार्ज ठीक है, तो ये लार्ज रख लिया, तो ये हो गया आर्टिकल की करीबन AI टेक्नोलॉजी के आर्टिकल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब ये तो आपका यूनिक आर्टिकल हो गया, मतलब ये तो मैंने यूनिक आर्टिकल आपको लिखना सिखाया है, अभी आप सोचेंगे ये तो यूनिक लिखना सा सिखा रहे थे, 20 साल हमें कॉपीराइट सिखाने वाले हैं, हाँ वो तो अभी आएगा, ये तो आपका यूनिक आर्टिकल है जो आप खुद बना रही हैं आर्टिकल AI टेक्नोलॉजी के जरिए, पहली जो वेबसाइट है उसमें मिनटों में बन जाता है, आपको पता है आपने टाइटल किया, दूसरी जो वेबसाइट है उसमें ये है कि आपको अच्छी खासा ट्रैफिक मिल सकता है, क्योंकि उसमें आप खुद ही कीवर्ड सेलेक्ट करके उसे दे रही है, खुद ही आप डिसाइड कर रहे हैं, तो दोनों कॉपीराइट फ्री है, मतलब कि ये दोनों पूरी दुनिया में कॉपीराइट फ्री होंगे, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कॉपीराइट फ्री आपने किस तरह चेक करना है, फिर से आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी कि ये नए जो बंदे होते हैं ना, नए जो होते हैं उनको नहीं ये समझ आता कि ये कॉपीराइट फ्री क्या चीज़ होती है, जैसे YouTube पे वीडियो कॉपीराइट होती है वैसे ये कॉपीराइट फ्री होने चाहिए आर्टिकल, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कॉपीराइट फ्री के किस तरह पता चलेगा, यहाँ से
अपने वेबसाइट याद रखनी है, आर्टिकल चेक कर। ऐसे आपने गूगल पे लिख लेना आर्टिकल चेक कर, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल आ जाएंगे। ये वेबसाइट भी आप इस्तेमाल करते कर सकते हैं। तो ये भी वेबसाइट, ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा ऐड लगाती है, मतलब अभी ये चलो पैसा कमा रही है, जिसने फंक्शन बनाया उसने अच्छी वेबसाइट बनाई है तो ये पैसा बहुत कमाती है। मतलब कि अभी ये देखिए गूगल के ऐड इतने तो मैंने भी नहीं देखे होंगे ऐड जितने इस वेबसाइट ने दिखाए हैं लाइफ टाइम मुझे ऐड। तो यहाँ से आप बार बार नहीं चेक कीजिएगा कि क्योंकि आर्टिकल तो आपके रियल ही वो बनाई गई है। ये तो मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, एक बार फिर से चेक करवा दो है। तो यहाँ ये है कि जब मुझे चेक करेंगे 100% यूनिक आएगा। पहले तो चले मैं, हाँ मुझे याद है मैं पहले भी चेक करके आपको बता चुका हूँ। तो अभी मैं इस वेबसाइट का आर्टिकल अपलोड करता हूँ है, जैसे ये देखे। अभी अगर आपने डायरेक्ट यहाँ आप सोच रहे होंगे कि कुछ हम यहाँ से ऐसे कॉपी पेस्ट कर दें आर्टिकल अगर है, तो ये है कि वेबसाइट आपकी गूगल एडसेंस से हटा दी जाएगी है। तो ये इस पर भी देखें, अभी ये मैंने इस वेबसाइट का आर्टिकल कॉपी किया है। जब मैं ये यहाँ अपलोड करूँगा ना, ये मुझे क्या अभी रिजल्ट देगी देखेगा। हमने जो अपना आर्टिकल है वो 100% यूनिक है, गूगल भी बोलेगा कि ये इन्होंने खुद लिखे हैं मैंने से, अच्छा पैसा भी उस पर मिलेगा। अभी ये मैंने अपलोड किया, देखें इसको मैं चेक करता हूँ। जब मैं इस पर चेक करूँगा जो ये मुझे क्या बताएगी, ये आपका यूनिक नहीं है, अभी ये मुझे बताने लगी है देखिएगा रिजल्ट। अभी ये इसका रिजल्ट निकालने लगी है, ये इस वेबसाइट का आर्टिकल है। जब एक आर्टिकल आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, ये देखे हैं 10% कॉपीराइट उस वेबसाइट का उसने नाम दे दिया। गूगल ऐसे चेक करता है, अच्छा ये कॉपीराइट बंदा है, ये कॉपीराइट करके आर्टिकल लेके आया है। 23% कॉपीराइट आर्टिकल, देखिए 3% यूनिक, 23% कॉपीराइट आर्टिकल है। तो देखे देखे किस तरह लेके जाता है, 30% कॉपीराइट आर्टिकल हो गया है। ये 10% यूनिक वो है, ये वो अल्फाज है जो करीबन नॉर्मल कोई भी गूगल के ऊपर पता है लिख लेता है बंदा है। तो ये देखिए 37% यूनिक, पूरा का पूरा इस वेबसाइट का आर्टिकल कॉपीराइट है, जो हम कभी नहीं अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। जो हमारी वेबसाइट का आर्टिकल है अभी वो आप चेक करें डिजिटल पाकिस्तान पे 100% यूनिक, क्योंकि मैंने शुरू में आपको चेक करवाया था। तो ये चीज़ आपने देखिए 47%, तो ये हमारी वेबसाइट को ही हटा देगा गूगल एडसेंस। अच्छा अभी हम जो चीज़ सीखने लगे ना, ये दो वेबसाइट आपने सीख लिया, चले यहाँ से आपने बैक चले जा पॉइंट। अभी ये दोनों वेबसाइट हमने याद रखी, अभी हम सीखेंगे मतलब कि अभी ये देखें, अभी उसको नहीं तो हटाना, वो एड बड़ी टिकाती है आर्टिकल चेकर। तो अभी हम इसीलिए मैं ओपेरा का इस्तेमाल करूँगा, ऐड पूरे तक आती है, बहुत ज़्यादा पैसे वो कमा रही है। तो अभी जो हम तरीका का सीख रहे हैं, अभी आप सोचेंगे कि अभी सर कौन सा तरीका कर, अभी हम कॉपीराइट का तरीका कर करेंगे। अभी जो हमने शुरू में जिक्र किया था ये दूसरा तरीके का पे हम सीख रहे थे, जितनी भी वेबसाइट है मैंने जिक्र किया, ये आपने खुद आर्टिकल बनाए हैं। ये आर्टिकल ऐसा कभी मैं सोचेगा कि ये आर्टिकल आप कॉपी कर रहे हैं, ये आर्टिकल आप खुद क्रिएट कर रहे हैं AI टेक्नोलॉजी के जरिए, और ये 100% आपके रियल आर्टिकल होगी है। ये आप सेल भी कर सकते हैं, फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म किसी को भी बेच सकते हैं, गूगल एडसेंस अप्रूव्ड आर्टिकल है। तो आप सेल भी कर सकते हैं, SEO आपने किया, देखिए SEO भी हमने दूसरी वेबसाइट के जरिए किस तरह किया, टैग किस तरह वहाँ से कीवर्ड हमने लिया जो गूगल पे रहकर। अभी ये हमारा तीसरा मेथड है, वो ये है कि किसी वेबसाइट का आर्टिकल हम कॉपी करके उसे किस तरह यूनिक बना के हम डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें। मिसाल के तौर पर मैंने अभी मैं आर्टिकल चेकर पे चला जाता हूँ। अभी ये देखे, अभी ये मेरे ओपेरा पे इसलिए खोलिए क्योंकि यहाँ मेरे एक फंक्शन लगा हुआ है ऐड। ये अभी ये देखे इस पर ऐड नज़र नहीं आ रहा, आपको बोलेंगे कि कहाँ ऐड चले गया। ये इस पर मैंने लॉक लगाया, 10 ऐड इसने ब्लॉक कर दिया है, ये ओपेरा पे होता फंक्शन। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मतलब कि इस वेबसाइट का आर्टिकल। अभी आपने थोड़ी देर पहले अभी हमने यहाँ चेक किया कितना कॉपीराइट था, मतलब 50% कॉपीराइट था ये आर्टिकल, इससे भी ज़्यादा 70% कॉपीराइट ये आर्टिकल था, हमने बात कर देता जो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये देखे, अभी बिना ऐड, क्योंकि मैंने ये लॉक लगाया हुआ है तो इसने सारे ऐड, अभी ये आर्टिकल जब तक होता है तब तक आता है। यही आर्टिकल अभी हम यूनिक बनाने लगे, अभी ये देखे मेरी गेम, यही आर्टिकल हम यूनिक बनाने लगे। सबसे पहले आपने टाइटल इस वेबसाइट के ज़रिए ठीक कर लेना है, तो यहाँ आपने जाना है तो इसी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आपने जाना है। ये तीसरा तरीकाकार है, आपको जो भी पसंद है आप करें तरीकाकार, मैं आपको ये नहीं चाहता कि आपको एक ही तरीकाकार पे बोलूँ कि ये दो तरीकाकार पे, आपको मैं वो तरीकाकार बताऊँगा जो कोई भी पाकिस्तान में करता, ताकि आपका जहन खुले, आपको समझ आए कि तीसरा तरीकाकार भी दिखाएगा। यहाँ से आपने पैराग्राफ ये ब्लॉक टाइटल है, यहाँ से आपने ये दिया है,
ये तीसरा तरीका कार है, ये देखे, ये तो वैसे ये देखे, ये आ गई है, ये हमने कॉपी किया इस बार, ये इसने इसी का अक्रीमेंट टाइटल चेंज कर दिया, ये होगा अभी कॉपी डॉट कॉम है, ये देखे, ये इसका टाइटल चेंज किया अभी, ये देखे अभी ये कह रहा है 90%, ये आपका कॉपी राइट आर्टिकल है, अभी देखे यही आर्टिकल मैं अपलोड करूँगा, अभी वो 0% बोला आएगा है। ये हमारा तीसरा तरीका कार है, ये न्यू पोस्ट पर क्लिक किया है, तो अभी ये देखे इतना तो कोई नहीं, तो ये मैंने टाइटल जो अभी यूनिक बनाया है आर्टिकल का क्रिमिनल टाइटल वो मैंने अपलोड किया है, तो अभी मैं कोशिश करूँगा अभी मैं इस पे आर्टिकल लेके आता हूँ इसी वेबसाइट का है। अभी देखिए 90% ये क्या कह रहा है, 90% आपके सामने है, ये जादू मैं आपको दिखाने का, ये कितना कह रहा है 90% आपका, जो पाकिस्तानी है ज़्यादातर इसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो पहले दो तरीक़ेकार है वो तो मैंने आपको वो सिखाया है कि ये वाला तरीक़ेकार इस वेबसाइट का, तो आप भी बोलेंगे कि सामने कमाल कर दिया है। जो अभी इस पर ये है कि आप ये सारा टारगेट कर सकते हैं, ये मार्केटिंग जो पाकिस्तान में लोग नहीं कर रहे टारगेट है, अभी इससे ये है कि अभी आप फास्ट कर रहे हैं कॉपी डॉट कॉम करना चाहते हैं, ये कॉपी डॉट कॉम है जो पाकिस्तान में काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन इस पर यह है कि वो ट्रैफिक नहीं ले पाते हैं, लेकिन या इस पे काम, लेकिन इस पे भी आप काम कर सकते हैं अप्रूवड के लिए, अप्रूवड के लिए फास्ट। अभी ये इसको मैंने किया कॉपी, ये भी किस्म का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये भी ट्रैफिक देता है, क्योंकि अभी इस वेबसाइट ने भी तो SEO की होगी, लेकिन ये है कि ये थोड़े कीवर्ड इस वेबसाइट ने दिए होंगे वो चेंज करेगा। अभी यहाँ से हम तीसरी वेबसाइट का जिक्र करते हैं, स्पिन बोर्ड, ज़्यादातर लोग यही वेबसाइट रिकमेंड करते हैं स्पिन बोर्ड है, तो इस पे ऑलरेडी पाकिस्तानी काम करते हैं, लेकिन वो ट्रैफिक नहीं उठा सकते, क्यों नहीं वो ट्रैफिक लेते। अभी ये देखिए ये आर्टिकल इसने 100%, ये मैंने इसी का कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ज़्यादातर पाकिस्तानी ये चीज़ करते हैं, इफ्तार वाले जो 97,000 लेते हैं वो ये चीज़ करते हैं, उनका भी मैंने देख लिया था एक बार, एक भाई ने कोर्स किया, उसने बोला सर मैंने कमा रहा, तो मैंने कहा अच्छा आपने कहाँ से किया, उसने बोला सर 97,000 मैंने अपने ऐसा समझे वेस्ट कर दिए हैं, मैंने कहा ओहो, तो उसने बोला मैंने कहा सेंड करे यार देख लो उसका है, जब मैंने सेंड किया वो स्पिन बोर्ड का बता रहा था, मुझे हंसी आई, ये चीज़ें तो उसने समझाया नहीं जो मैंने पहली दो बताई है, क्योंकि उससे खुद नहीं पता, तो खुद तो ये मैंने की किया। उसका भी तरीकाकार आपको समझा दूँ ना, 97,000 वाले का भी आपको सिखा दूँ ना तरीकाकार है, तो लेकिन इस पर यह कि ये कॉपी राइट काम है, ये अभी इसने अल्फाज सारे चेंज कर दिए, ये देखिए उसी का आर्टिकल, अभी इसने ये भी एक बेस्ट तरीकाकार है, तो लेकिन इस पर ये है कि अभी इसने अल्फाज चेंज किए हैं, लेकिन अभी मैं अभी इस बंदे से हैरान हूँ जो 97 वाला करवा रहा है, इस वेबसाइट का इस्तेमाल करता है, उस बंदे से मैं बहुत हैरान हूँ कि उसको ये भी अभी वो इस किस तरह ये चीज़ें सिखा रहा है लोगों को कि ये करके आप अपलोड कर, इसमें उसने कीवर्ड भी तो चेंज कर दिए होंगे ना, मतलब कि ये उसने पूरा आर्टिकल देखे आर्टिकल की, मैं समझता हूँ कि ये वैसे ही एक बोट है, इस वेबसाइट का भी क्या बताना, चलें ठीक है वैसे फास्ट बता देता हूँ, जैसे आप समझे वो वाला भी कोर्स आपने उसका भी कर है, वो ये आपने अपलोड कर दिया है, तो ठीक है, तो इस पे उसने कीवर्ड भी तो मेरे अंदाजे पे आगे पीछे किए होंगे, ये इस पे ये है कि आपको फास्ट मिल सकता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल एड्स ना अप्रूवल दे देता है, ये मैं कहूँगा हाँ, अगर आपने फास्ट गूगल एड्स ना अप्रूवल लेकर 40,000 की वेबसाइट बेचनी है, आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं स्पिन बोर्ड का है अप्रूवल के लिए, लेकिन अगर आप ट्रैफिक लेके अच्छी खासी ऐसा समझे कमाई करना चाहते हैं, फिर हाँ इस वेबसाइट का आप इस्तेमाल करें, अगर आप सेल कर रहे हैं किसी वेबसाइट को, किसी को बाइक को, किसी को वेबसाइट चाहिए ब्लॉग, आप जल्दी जल्दी ये वेबसाइट बना के इस तरह सेटिंग करके इस तरह जल्दी जल्दी स्पिन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इस वेबसाइट किसी भी बड़ी वेबसाइट का आर्टिकल आपने कॉपी करने हैं स्पिन बोर्ड पर ऐसे पेस्ट किए, यहाँ से आपने ये कॉपी करना है ऐसे देखे कितनी जल्दी हो रहा है ये काम है, ये मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पिक्चर लगाई, अप्रूवड गूगल एडसन इस पर दे देते, देखिए कितना जल्दी अप्रूवड लेना है, इस पर ऐसे पोस्ट अपलोड किया आपने उसी तरह बनानी है जिस तरह मैंने आपको बता दी हैं पोस्टें, दो बार आपको बताया है, तो आपने इस तरह ये पोस्ट है बनानी है, इस तरह अपलोड करिए, दो चार पोस्टें उस वेबसाइट से ले लेनी है जो कॉपीराइट फ्री ये वाली दे रही है, तो इससे यह कि अप्रूवड आपको मिल जाएगा, ये है कि अप्रूवड मिल जाएगा, लेकिन विजिटर के लिए आके आप गेम कर सकते हैं, इन वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया है, तो इस वेबसाइट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्पिन बोर्ड, तो लेकिन ये है कि इस पर ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा है, तो हम तो आगे डेटाबेस बनाना मैं आपको सिखा दूंगा, तो वहाँ से भी आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके ट्रैफिक ले स्पिन बोर्ड, इससे ये है कि जल्दी जल्दी आपका आर्टिकल क्रिएट करेंगे आप, तो लेकिन ये है कि ट्रैफिक इस पर नहीं, क्योंकि इसने कीवर्ड की भी अब आगे पीछे गेम कर दी है, आप समझ तो गए होंगे, ये ऐसा करता है कि ये जो है बोट ने किस तरह काम करता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जब आपने इसका क्रिमिनल आपने इस वेबसाइट का आर्टिकल इस बोट पे अपलोड किया है स्पिन बोट पे, तो इसी ने इसका विजन बना दिया, मतलब ये लफ्ज़ आगे पीछे इसने कर दिया, ये आर्टिकल उठा के इसने इधर इस तरफ कर दिया, ये उठा के इस तरफ कर दिया, ये मेक उठा के इस तरफ, जैसे गूगल ट्रांसलेशन करता है, आप समझ तो गए गूगल ट्रांसलेट पर आप उर्दू में कुछ बोलते हैं वो इंग्लिश में कुछ लिख देते हैं,
उर्दू में कुछ बोलें इंग्लिश में वो कुछ लिख देता है, क्योंकि आप जैसे खवा यू आप लिखते हैं आप कैसे हैं वो खवा यू बताएगा, ठीक है ये ठीक। लेकिन जब आप बड़ी चीज़ कॉपी करके पेस्ट करेंगे वो क्या करेगा गूगल ट्रांसलेशन, कुछ ऐसी ऐसी गड़बड़ कर देगा कि पूरी इंग्लिश की आगे पीछे मावे ने कहा लेगा, पढ़ने वाला भी बोलेगा कि क्या कर दिया इसने इंग्लिश में, तो लिखने वाला ये चीज़ वो अक्सर करता है। तो इसी तरह स्पिन बोट वाली है, तो ये चीज़ है वेबसाइट रियल है, ये नहीं कि वेबसाइट भी मैं कह रहा हूँ गलत है, वेबसाइट रियल है 100% आपको गूगल एडसन अप्रूवल ये वेबसाइट भी लेके देगी स्पिन बोट्स। पाकिस्तान में लाखों लोगों को इसने लेके दी है, इस पे ऐसे देखें जल्दी जल्दी काम हो गया मेरा है। लेकिन ट्रैफिक पे इशू आएगा क्योंकि इसने कीवर्ड आगे पीछे कर दिया। कीवर्ड का क्या है आपने करना है, अभी आपको पहले दो तो मैंने वेबसाइट बता दी, वो आप किसी को सिखाइएगा नहीं तरीका का, इतना इंटरनेशनल मैं आपको सिखा के जा रहा हूँ तरीका का, लाइफ आपकी बना रहा हूँ मैं है। तो वो तो उनको भी नहीं पता जो बड़े बड़े कोर्सेज करवा रहे हैं, देखिए जो मैं तरीका का मैं दिल खोल के मेरा मैंने कहा कि इस बार पाकिस्तानी दिल खोल के कमाए इंशाल्लाह, हमारा टारगेट बहुत बड़ा है इंशाल्लाह 5 बिलियन की मार्केट हमने कैप्चर करनी है दिल खोल के इंशाल्लाह हम कमाएंगे। तो इस पर ये है कि ये देखें अभी ये इस पे देखे जल्दी जल्दी आर्टिकल मुझे मिल गया है, मैंने अपलोड किया, ये है कि गूगल एडसन अप्रूवड 100% मिल जाएगा मुझे स्पिन बोट के जरिए, इस वेबसाइट के जरिए भी मिल जाए। इस वेबसाइट ने भी देखें हर बड़ी वेबसाइट देखे गूगल एडसन से पैसा कमा रही है, आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि ये कोई फ्री नहीं है गूगल एडसन, आपने मजाक नहीं है आपने समझना। ये देखे इस वेबसाइट पर भी गूगल एडसन की एड आपको मिल रही है, मिल रही है ये नहीं मिल रही आप देखें, हर उस वेबसाइट पे आपको गूगल के ऐड मिलेंगे जो कोई भी काम कारोबारी काम करवाया, हर वेबसाइट गूगल एडसन से कमा रही है। अभी देखिए पहले डुप्लीकेट चेक कर उसने भी ऐड गूगल एडसन के लगाए हुए, अभी स्पिन बोट को इसने भी ऐड हर अभी ये वेबसाइट की तरह लाखों ने करोड़ों, क्योंकि ये स्पिन बोट पे करोड़ों लोग आर्टिकल बनाते हैं अप्रूवल के लिए, तो ये करोड़ों अभी ये देखिए ऐड चेंज हुए हैं, ऐड चेंज इसलिए हुए इस वेबसाइट ने फंक्शन लगाए हुए नवे ऐड आ गए हैं ताकि गूगल मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे। अभी ये वेबसाइट अकेली कितना पैसा कमा के जा रही है, एक महीने में कम से कम इसकी जो इनकम है मेरे अंदाजे में 20 लाख से ज़्यादा की डॉलर की ज़्यादा की इनकम है, 20 लाख डॉलर से ज़्यादा की इनकम, ये सिर्फ 50 करोड़ रुपया ये एक महीने का कमा रही है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी वेबसाइट तो है नहीं है स्पिन बोट, इसके विजिटर भी मुझे पता है कितने ज़्यादा है क्योंकि लाखों पाकिस्तानी इसके जरिए भी अप्रूवल लेते हैं। जो पहली दो है इनके जरिए आपको ट्रैफिक मिलेगा अप्रूवल भी मिलेगा, आप जो मर्जी तरीकाकार इख्तियार करें अप्रूवल लेने के लिए है। दूसरी वेबसाइट से ये है कि आपको अप्रूवल जल्दी इस नहीं पहली दो पे भी आपको अप्रूवल, पहली जो वेबसाइट है वो भी आपको आर्टिकल लिख के देगी लेकिन वो आपको आर्टिकल एआई टेक्नोलॉजी के लिए यूनिक लिख के देगी, जो दूसरी वेबसाइट है इस पर यह है कि आपको आर्टिकल बने आप खुद बना रही है इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, आपको जो पता कि वीडियो आप पूरी देखें आपको समझ आ जाएगा। जो तीसरी वेबसाइट है स्पिन बोट ये भी अप्रूवल आपको लेके देगी, इस पे आपको जल्दी काम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं बिजनेस पे चला जाता हूँ तो ये भी वेबसाइट बेस्ट ही है तो क्योंकि ये देखें अभी मैं चला जा इस आर्टिकल पे चला जा रहा हूँ, इसका टाइटल तो हमने सबसे पहले इस वेबसाइट पे चेंज कर दिया एआई टेक्नोलॉजी के जरिए, ठीक हो गया है। उसके बाद हमने बस इतना सा काम करना है, इसको इतना कॉपी किया, आपको मैं धक्का भी देता हूँ, कॉपी किया या हमने बस इस तरफ आके आपने पेस्ट कर देना है, इस पे पेस्ट कर दिया, इस निशान पे क्लिक करना, ये देखिए इस पे आ गया। तो इससे पता क्या काम करते हैं जो फ्रीलांसर पे लोग हैं ना वेबसाइट अप्रूवल करवा के देते हैं, वो स्पिन बोट का इस्तेमाल करते हैं इस वेबसाइट का, जो वो इस तरह वाला 97 लेके क्योंकि वो अप्रूवल करनी सिखाते हैं, तो ये इसके ज़रिए लोग अप्रूवल वेबसाइट बड़ी जल्दी करवाते हैं क्योंकि यहाँ से कॉपी का इस पर टाइमिंग कम है, ये देखिए मिनटों में मेरी दिन की 20-30 पोस्ट भी बन जाते हैं, घंटे में 50-60 बंदा बना लेता है इससे, जो दूसरी इस पर मेहनत लगती है लेकिन विजिटर भी तो मिलते हैं पूरी लाइफ टाइम बंदे के बाद। ये देखिए इसने पूरी वेबसाइट बना दी है मेरी, पूरा वो इसने कंटेंट बना दिया है, यहाँ से ये जो टाइटल है इस पर आप बड़ा बड़ा कर सकते हैं, ये हेडिंग डाली, ये करीब लार्क किया है, ये बड़ा हो गया, इस तरह आपने एक एक हटा देना, ज़्यादा स्पेस इसमें डाल दी है। तो लेकिन ये है कि इस पर आपको अप्रूवल मिल इस पर भी मिल जाएगा, उन पर भी मिलेगा, उन पर ट्रैफिक भी मिलेगा, आप पूरी मार्केट जनरेट कर रही है। अगर आपने मुकम्मल वीडियो देखे आपको समझ आ जाएगी कि तीनों वेबसाइट में क्या फ़र्क है, ज़मीन आसमान का तीनों वेबसाइट में फ़र्क है, एक वेबसाइट पर आपको डायरेक्ट आर्टिकल वो बना के देती है टाइटल के जरिए, दूसरी वेबसाइट है उस पर आप खुद ही या टाइटल लेते हैं खुद ही टैग नीचे देते हैं फोकस कीवर्ड लगाते हैं, यहाँ से गूगल से लेकर इस मार्केट को भी कैप्चर करते हैं 91 बिलियन की मार्केट को कैप्चर करते हैं, फिर जाके आप आर्टिकल बनाते हैं, तो टाइटल वगैरह भी खुद सेट करते हैं,
खुद है तमाम चीज़ें हेल्प। जो तीसरी वेबसाइट है वो है स्पिन बोट, इस पर आपको गूगल एड्स अप्रूव्ड आसानी से आसान इससे भी मिल जाएगा। इस पर आप जल्दी जल्दी आर्टिकल, अगर आपके पास टाइमिंग कम है आप इस वेबसाइट का, मैं भी रिकमेंड करूँगा आप इस वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइमिंग कम है आप जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा डेटा बेस आ गया आपको बनाना सिखा दूंगा जो कोई भी नहीं सिखाता, जिससे आप इस वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइमिंग नहीं है तो आप देखो गूगल एड्स अप्रूवल चाहिए, कोई ऑर्डर आ गया आपको 40-50 हज़ार की बेचनी है गूगल एड्स, बहुत महंगी वेबसाइट बिकती है, तो आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? स्पिन बोर्ड का। अब यहाँ किसी भी वेबसाइट का आर्टिकल, अभी ये देखिए आर्टिकल मैं चेक करवा देता हूँ आपको, नहीं यकीन आता है ये देखिए 90% अभी इसी वेबसाइट का एक और आर्टिकल जब मैंने स्पिन बोर्ड पर फेंका वो देखे, क्योंकि इसने आगे पीछे अल्फाज कर दिया लेकिन अल्फाज बड़े जदीद तरीके से आगे पीछे करता है, लेकिन इसने कीवर्ड जो आगे पीछे किए ना इसकी वजह से ट्रैफिक नहीं बनता यहाँ से रन करता जो स्पिन बोर्ड का इस्तेमाल। लाखों पाकिस्तानी स्पिन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर मैं सबको जानता हूँ जो स्पिन बोर्ड का अभी स्पिन इस्तेमाल करते हैं, हर बड़ा से बड़ा यूट्यूबर इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर लेता है स्पिन बोर्ड का, फास्ट वो सिखाते हैं तरीका, हर जो इफ्तार वाले सिखा रहे हैं 97 ले रहे हैं वो भी यही चीज़ सिखा रही है स्पिन बोर्ड, लेकिन वो सिर्फ ये इसका मैंने आपको क्या सिखाया है ये इन मार्केटों को किस तरह आपने कैप्चर किया। और दूसरा स्पिन बोर्ड के जरिए अगर आप एडसन अप्रूवल लेना चाहते हैं, अप्रूवल लेना आसान है, स्पिन बोर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि अभी ये देखिए 2% यूनिक थोड़ा सा इसलिए चेंज नहीं करता, ज़्यादा नहीं करीब थोड़ा सा वो हम यही चेंज कर लेंगे जो इसने नहीं काटा, तो ये देखिए 19% हमारा यूनिक, ये 100% यूनिक होगा, ये थोड़ा सा वो हम एक लाइन हटा देंगे हैं, तो इस वेबसाइट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अप्रूवल करीब तीनों पर आप उन पर टाइम लगता है लेकिन ट्रैफिक भी तो मिलता है, लाइफ टाइम इनकम होती है इस वेबसाइट पे, ये है कि आपको मिनटों में देखे। अभी मैं यहाँ गया हूँ डिजिटल मार्केटिंग में क्लिक किया, ये सारा करीबन क्या हो गया करीबन इस पे मैंने क्लिक किया है, तो इसी का आर्टिकल को मैंने स्पिन बोर्ड पे पेस्ट किया और यहाँ से लेके अपलोड कर दिया। देखिए कितना सिंपल था तरीकाकार, ये ज़्यादातर आपको यूट्यूब पर यही इसी वेबसाइट का बताते हैं, लेकिन इस पर अप्रूवल मिल जाता है क्योंकि मेरे दोस्त है उन्होंने भी इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अप्रूवल बड़ी जल्दी ले लिया था है स्पिन बोर्ड का है, तो लेकिन उन पर विजिटर नहीं थे फिर आए, क्योंकि विजिटर ये था कि क्योंकि आगे जाके ना वो मार खा गए थे, क्योंकि स्पिन बोर्ड कीवर्ड भी आगे पीछे कर देती है जो इन्होंने सेट किया होता है, तो लेकिन ये गूगल एडसन गूगल का काम क्या वो देखते हैं आर्टिकल ठीक है लिखा हुआ टिक पा देते अप्रूवल दे देते, लेकिन ये कि विजिटर जब नहीं होते थे ये होकर इनकम तो विजिटर से ही आती है। मेरे दोस्त ने अप्रूवल ले लिया था कि 14-15 दिन में उसने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अप्रूवल ले लिया था, लेकिन बाद में वो कहता है कि भाई अप्रूवल नहीं वो नहीं आ रही इनकम है, तो फिर मैंने उसे डेटाबेस का लिया, तो इससे वो स्पिन बोर्ड का इससे डेटाबेस के जरिए कमाने लगा। तो तीनों वेबसाइट से आप कमाई कर सकते हैं, ये नहीं कि आप ये सोचेंगे कि ठीक है भाई इससे का हम इस्तेमाल करेंगे अप्रूवल मिलेगा लेकिन इनकम नहीं मिलेगा, नहीं नहीं हम यही इस्तेमाल कर लेते हैं, या अगर आपको टाइमिंग ज़्यादा लगता है आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी आप अगर आर्टिकल अप्रूवल लेना चाहते हैं और अप्रूवल लेके आप वेबसाइट सेल कर सकते हैं। गूगल एड्स वेबसाइट कितने की बिक्री है, फाइवर पे जाके आप इनकम देके बहुत महंगी बिक्री है, मतलब गूगल एड्स की वेबसाइटें हैं, तो अभी मैंने इसलिए बन किया क्योंकि टाइमिंग काफ़ी तकरीबन 2 घंटे का ये हो गया है, तो अभी भी आर्टिकल पर 1 क्लास हमारी होगी, मतलब वो अभी क्या अभी तो बोलेंगे आप सारा कुछ सामने सिखा दिया है, तो अभी जो भाई कह रहे थे कि सर इंग्लिश हमें नहीं आती, अभी देखें मैंने इस पे किस जगह इंग्लिश का इस्तेमाल किया है, इस सारी क्लास बड़ी ज़बरदस्त मैंने इस पे किस जगह मैंने इंग्लिश का इस्तेमाल किया नहीं इस्तेमाल किया उसके बावजूद देखे मैंने आपको क्या सिखाया है। एक तरफ देखे लोग अभी करीबन मैंने देखे हैं, तो एक करीबन दोस्त है वो आया था मेरे पास स्टूडेंट था लेकिन दोस्तों ठीक है वो मेरे पास आया था, उसने बोला कि सर करीबन ये है कि 97,000 का मैंने ऑलरेडी कोर्स किया था है, अभी वो ये कर रहा है कोर्स, उसने बोला कि सर कुछ ना पूछो कि उन्होंने उनका कोर्स मैंने देखा तो उन्होंने ये चीज़ें सिखा दी जल्दी जल्दी ये करिए ना ठीक है, तो इस अप्रूवल तो मिल जाता, उसने कहा मुझे भी अप्रूवल मिल गया गूगल एड्स अप्रूवल तो मिल जाता आराम से इनसे कुछ भी उसे बोला सर आगे जाके हमने करीब ठीक है, मैंने कहा कि आगे डेटाबेस आपको सिखा दूंगा, ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। तो अगर आपके पास टाइमिंग कम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते, अगर आप इस मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करें, ये कभी अगर आप इसके अलावा अगर आप पहली वेबसाइट का इस्तेमाल करें वो भी स्पिन बोर्ड की तरह है, तो वहाँ भी सिर्फ टाइटल देना है तो वो भी आपको लिख देगी, तो स्पिन बोर्ड का फिर आप ये जल्दी अगर लिख के देते तो वो पहली वेबसाइट है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वेबसाइट कौन सा डिजिटल, ये सारी यूरोप की मशहूर वेबसाइटें हैं, तो ये जो यहाँ भी आपने टाइटल पेस्ट करना, ये भी आपको आर्टिकल कंप्लीट लिख के देगी है, इस पर भी आप एक अकाउंट पर 2 आपको क्रेडिट मिलेंगे आप इसका इस्तेमाल कर लें, तो ये है कि ये थोड़ा सा लिंकिंग तो आपकी वेबसाइट करेंगी है। तो इसके अलावा जो अगली हमारी क्लास होगी तो उस पर भी बात करते हैं, ये तुम्हारा आर्टिकल की तकरीबन आज क्लास ख़त्म होगी है,
तो अगर आपको इस पे कोई भी चीज़ इस क्लास में समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें व्हाट्सएप पे, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे सवाल करें तो इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। है तो ये आप देख सकते हैं इस पे हमने करीबन तीन तरीके का आर्टिकल लिखने के, हमने दो तरीकों को वहाँ पर ऑलरेडी बना दिया वीडियो बना करीबन। पहले तरीका का है कि हमने किस तरह करीबन आर्टिकल हमने बनाने हैं AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए। मैंने आपको AI टेक्नोलॉजी का बताया, AI टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो करीबन आर्टिफिशियल होती है। अभी जो गूगल चलने वाला ना, ये देखें अभी गूगल भी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे आने लगा है, मतलब कि ये जो गूगल 91 बिलियन की मार्केट है अभी ये भी आर्टिफिशियल कंट्रोल करेगा। अगर गूगल ने अनाउंसमेंट किया, जो हमारा CEO है अभी ये देखें सुंदर पिचाई, ये कोई इंडियन है CEO गूगल का, दो दफा अभी जो गूगल का नेक्स्ट CEO होगा वो AI CEO होगा। अभी आप हो सोचे ये क्या सर कह रहे हैं, अब सर्च कर सकते हैं गूगल का जो नेक्स्ट CEO है वो कन्फर्म है AI गूगल का नेक्स्ट CEO होगा। मतलब AI टेक्नोलॉजी एक ऐसा गूगल बोट बना रहा है जो AI टेक्नोलॉजी गूगल, यहाँ कोई इंसान नहीं होगा गूगल का कंट्रोल करेगा, वो AI टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल करेगा। इस पर वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि AI टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, तो इसके जरिए आर्टिकल मैंने लिखना है। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी मैं आपको दिखा देता हूँ है क्या, बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब ये पकड़े नहीं मैंने, ये जितने भी आर्टिकल है ये आपके रियली आर्टिकल एक समझ में होगी है। ये AI आप सर्च करें, AI पे बहुत ज़्यादा बोट आ जाते हैं, बोट AI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा AI टेक्नोलॉजी का आजकल इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए AI टेक्नोलॉजी स्मार्टफोनों में इस्तेमाल करते हैं लोग, हर जगह इस्तेमाल होती है AI टेक्नोलॉजी है। तो AI गूगल का जो नेक्स्ट होगा प्रोजेक्ट है गूगल का है, उसमें ये है कि गूगल के मैंने देखा कि गूगल कह रहा है कि हमारा जो करीबन गूगल कंट्रोल करेगा वही AI टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल होने वाले हैं। ये देखिए CEO गूगल के CEO ने खुद अनाउंसमेंट कर दी है कि जो अगला CEO होगा वो गूगल का AI करीबन टेक्नोलॉजी वाला होगा, कि ऐसा बोट होगा जो गूगल का कंट्रोल करेगा। अभी आप सोचें कि पूरा का पूरा इंटरनेट गूगल से जुड़ा हुआ है, 90-100 बिलियन विजिटर की मार्केट है, तो फेसबुक के भी इतने विजिटर, यूट्यूब के भी करीबन 20 बिलियन विजिटर है मंथली, गूगल के 105, यूट्यूब जैसी वेबसाइट हो फिर जाके गूगल को, मगर इस पूरे गूगल को सिर्फ एक बोर्ड कंट्रोल कर रहा होगा जो मिनटों में गूगल चलाएगा है, किसको हटाना है किसकी वेबसाइट अप्रूवड करनी है वही फैसला करेगा है। तो ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हो जाएगा है पॉसिबल, क्योंकि गूगल इस पर काम कर रहे हैं। तो इस क्लास में हमने जो दो चीज़ें सीख लिया कि AI टेक्नोलॉजी जो पहला हमने सीखा वो है कि हम खुद आर्टिकल किस तरह बना सकते हैं AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जिसमें मैंने दो वेबसाइट का जिक्र किया है, अब दोनों वेबसाइट को लिंक देख ली, आप लिंक लाजमी सेव कर लीजिए, ये पहली दो वेबसाइटें हैं। तो एक है करीबन आपको मैं एक एक करके बोल देता हूँ, तो एक है QOPYWriter.ie है, दूसरी वेबसाइट है CoffeeMatters.ie है, तो ये दोनों वेबसाइट है। जो तीसरी वेबसाइट है ये भी ज़बरदस्त होगी, ये है SpinBoard है, तो ये तीनों वेबसाइटें आप सेव कर लें करीबन, तीनों वेबसाइटें ज़बरदस्त है, तीनों को तीनों में से किसी एक को भी ना नजर आए जिनका अपने इस्तेमाल करें आप करें, गूगल एडसन अप्रूव्ड आपको चाहिए वो तो आपको मिल जाएगी तीनों में से, जिस मर्जी का अपने इस्तेमाल, ये तीनों वेबसाइटें आप कॉपी करें। लिंक इस वेबसाइट पे क्या है, ये इस वेबसाइट पे क्या है, आपको अपने टाइटल अपलोड करना है आपको आर्टिकल मिल जाएगा है। इस वेबसाइट पे क्या है, आप आर्टिकल खुद ही बना रही हैं, एक एक चीज़ से बता रही हैं, ये फोकस कीवर्ड, ये इंट्रो, ये इस वेबसाइट पे क्या है, आप किसी वेबसाइट का आर्टिकल कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं, वो आर्टिकल वही है वेबसाइट का अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे विदाउट, मतलब के करीबन विदाउट कॉपीराइट, क्योंकि ये वेबसाइट SpinBoard वो आर्टिकल थोड़ा आगे पीछे चेंज कर देगी है और आर्टिकल आपका यूनिक हो जाएगा 100% है। तो ये चीज़ भी आपने सीख ली, तो करीबन ये चीज़ हमने सीखी आज है। तो इसके बाद हमने सीखा कि किसी जो SpinBoard वाला हमने सीखा कॉपीराइट वेबसाइट का, लोग ज़्यादातर ये चीज़ कहते हैं, मैंने आपको ये AI टेक्नोलॉजी से लिखना भी सिखा दिया है। तो दूसरी चीज़ हमने सीखी है कि इस पर आर्टिकल हमने किस तरह अपलोड करना है, मतलब कि किसी वेबसाइट उठा के अभी इस पर जो करीबन एक और क्लास मेरा दिल लूँ है, वैसे तो क्लास कवर हो जाती है इस पर, लेकिन एक और क्लास मैं इंशाल्लाह इस पर लूँगा है, आर्टिकल पे इंशाल्लाह आगे डिसाइड करेंगे एक और क्लास, वो क्लास मैं चाहता हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी अभी काफ़ी हैं जो कोर्स कर रहे हैं, जिससे फन पढ़े लोग इतने नहीं मैं कह सकता, काफ़ी लोग जहरीन लोग भी हैं जो पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं। अभी बहुत मैंने ऐसे देखे हैं लोग जो कह रहे हैं हम जवेद चौधरी का सर मुकाबला करेंगे हैं, तो उनके लिए भी तो एक वीडियो होनी चाहिए ना, तो जिसमें हम आर्टिकल आपको हाथों के साथ लिखना सिखाएंगे, AI टेक्नोलॉजी को छोड़ो हाथों के साथ इंशाल्लाह हम इन वेबसाइट का मुकाबला करेंगे कि किस तरह ये वेबसाइट हमें दे रही है करीबन लिख के। तो उसमें अभी एक न्यूज़ अभी क्या है, अभी कुछ है जो न्यूज़ एक टाइम चलती है, जो हमारा हाथों के साथ आर्टिकल होगा वो ऐसा समझे न्यूज़ पे होगा चले है, वो आर्टिकल पे नहीं होगा, वो न्यूज़ पे इंशाल्लाह हम बनाएंगे। अभी ये होगी आर्टिकल की वीडियो, अभी मैं समझ गया वो न्यूज़ पे इंशाल्लाह बनाएंगे, जवेद चौधरी जैसे न्यूज़ें देते हैं।
तो हाथों के साथ हम किस तरह घर बैठ के पूरी दुनिया की न्यूज़ें लिख सकते हैं, हमें कब पता चलेगा कि इस जगह ये मर गया, इस जगह ये हो गया, आसमान इसे फट गई है, क्या हो गया, जैसे न्यूज़ें देते हैं हमें, बड़ी बड़ी दिलचस्प न्यूज़ें देते हैं डेली पाकिस्तान वाले। आप उनका फेसबुक पेज देख के न्यूज़ें देख के आप बोलेंगे कि सर कमाल करे क्या न्यूज़ दे रहे हैं। तो वैसे हम भी किस तरह लिखेंगे कि किस तरह बैठ के आप लिख सकते हैं मिनटों में है, तो उस पर भी मैं ये बोल देता हूँ कि अनपढ़ बंदा भी वो भी लिख देगा न्यूज़, चले उसको भी हम कवर कर देते हैं। अनपढ़ बंदा भी वो लिखेगा विदाउट मतलब AI टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करके, विदाउट किसी वेबसाइट का कॉपी करके न्यूज़, विदाउट आपने ना किसी वेबसाइट से टाइटल कॉपी करने, उस पर इंशाल्लाह एक क्लास होगी हमारी, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप एक एक चीज़ सीख के जाएँ। सिर्फ एक चीज़ भी अभी मैं चाहूँगा यही एक पहली ये स्पिन बोट वाली मैं भी अभी सिखा के ठीक आठ का, क्योंकि इस पर भी अप्रूवल आपको मिल जाता है, अप्रूवल आपको मिल जाए मुझे तो बस यही था कि आपको अप्रूवल रखो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मार्केट कैप्चर करें, आप हर चीज़ सीख के जाएँ, यहाँ से आपको एक हर वेबसाइट का पता हो कि हाँ ये दूसरी वेबसाइट पे ये फंक्शन है, TC पे ये फंक्शन है। हाथों के साथ भी हम लिख सकते हैं, अनपढ़ बंदा भी आता जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी हाथों के साथ किस तरह लिख रहे हैं बैठ के। इस पे है कि पाकिस्तानी मार्केट कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी पाकिस्तान मार्केट है, गूगल की नज़रों में इतना 949 नंबर पर है। इसकी विस्टर मार्केट की मैं बात करूँ, इनकम मार्केट की तो वो तो गिर गई है पाकिस्तान की, क्योंकि विस्टर मार्केट है वो बहुत बड़ी है पाकिस्तान की है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट जवेद चौधरी बड़ी बड़ी एक्सपायर न्यूज़ इन्होंने कब्जा किया, उस पर किस तरह अपने हाथों के साथ लिख के कब्जा करना वो इंशाल्लाह क्लास होगी है। अगली क्लास जो हमारी होगी उस पर हम सीखेंगे। चले तो अभी जो करीबन इसमें आपको 4 दिन का टाइम मैं देता हूँ, क्योंकि 4 दिन का हर एक लेक्चर के बाद टाइम होता है, तो इसमें आपने अपने ब्लॉग पर 15 करीबन कोशिश करनी है कि 5-6 पोस्टें अपलोड कर दें हैं। तो अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी अपनी वेबसाइट को हमने CNN BBC जैसा लुक कैसे देना है, मतलब एक्सप्रेस न्यूज़ जैसे भी इस वेबसाइट का लुकिंग हमने किस तरह चेंज करना है। तो अगली क्लास इंशाल्लाह हमारी उस पर होगी है, तो ये क्लास भी ख़त्म होगी हमारी, तो अगली क्लास इंशाल्लाह हमारी होगी कि हम अपनी वेबसाइट का लुकिंग किस तरह दें। तो अगर आपको फिर से मैं बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे पूछें लाजमी है, तो इंशाल्लाह आपको A to Z आपको बताऊंगा है। तो हो सके आपके लिए वीडियो भी दोबारा से बना दूंगा अगर आपको समझ नहीं आती है, इंशाल्लाह मेरा काम आपको समझाना अच्छे से समझा के भेजूंगा आपको है, ताकि आप अपना मुस्तकबिल आगे बना सकें। तो इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे पूछें लाजमी। तो अगली क्लास जो हमारी होगी इंशाल्लाह उसमें हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलती है अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़।